नमस्कार साथियों, क्वालिटी एजुकेशन के डिजिटल मंच पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आपके लिए आरएस प्री के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने ये क्लास शुरू की है और इस क्लास के अंदर हम कोशिश करेंगे कि बहुत कम समय के अंदर आपके जो ये फसलें, खनिज, परिवहन, ऊर्जा और उद्योग जो टॉपिक है इनको अच्छे से कवर किया जाए। और इससे पहले भारत भूगोल, राजस्थान भूगोल और विश्व भूगोल के लिए 12 घंटे की मैराथन क्लास हमने जो है 12 घंटे की मैराथन क्लास मैंने और विजेंद्र सर ने आपको करवा रखी है, वो वाली क्लास आपने देख ली होगी। अब देखिएगा, भारत भूगोल के अंदर जो मैक्सिमम आपके 6 से 7 सवाल आने होते हैं उनमें से जो 5 सवाल हैं वो इन्हीं टॉपिक से आने वाले हैं और हमारा प्रयास ये रहेगा कि 500 के 500 सवाल इसी क्लास से आपके एज इट इज मिल जाए। तो अब बिना किसी समय को जाए हुए चर्चा करते हैं। देखिएगा, इसमें हम बात करेंगे प्रमुख फसलों की जिसमें गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय, कॉफी इत्यादि की चर्चा करेंगे। प्रमुख खनिजों की जिसमें लोएस्क होगा, मैग्नीज होगा, बॉक्साइट होगा, अभ्रक होगा। विद्युत संसाधन जिसमें पारंपरिक, गैर पारंपरिक जो स्रोत होंगे। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र होंगे भारत के और इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग और परिवहन गलियारों की हम बात करेंगे। इनसे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं और कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं वो पहले अपन ने देख लिया था, अब इनको थ्योरेटिकल पार्ट में अपन देखने वाले हैं। ठीक है, चलेगा, शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले फसलों की बात कर रहा है तो फसलों के अंदर सबसे पहले आपके सिलेबस में दिया हुआ है गेहूं। अब गेहूं की बात करें तो देखो, गेहूं जो है ना इसके लिए जलवायु कैसी चाहिए, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु होनी चाहिए। इसके लिए तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस सफिशियंट माना जाता है गेहूं के लिए। वर्षा की बात करें तो 75 सेंटीमीटर तक यहां वर्षा चाहिए इसको। ठीक है, मिट्टी की बात करें तो मिट्टी इसके लिए बलुई मिट्टी चाहिए, ध्यान रखना। और अगर गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य पूछा जाए तो उत्पादकता किसमें ज्यादा है, पंजाब के अंदर है। लेकिन अगर बात करें कि गेहूं का वर्तमान में सर्वाधिक जो उत्पादन हो रहा है यानी सर्वाधिक उत्पादन, तो क्रम से देखिएगा, नंबर एक पे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है। यानी ये तो आपके 4 बड़े उत्पादक राज्य हो गए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। विश्व में चीन के पश्चात दूसरा स्थान किसका आता है, भारत का। यानी गेहूं के उत्पादन में अगर बात करोगे तो विश्व में चीन के पश्चात भारत का कौन सा स्थान आता है, दूसरा स्थान आता है। और भारत कितने प्रतिशत गेहूं उत्पादित करता है, 13% गेहूं उत्पादित करता है, ध्यान रखना, टोटल विश्व का। ठीक है, देश की कुल भूमि पर 14% गेहूं की खेती होती है। यानी देश के अंदर जो टोटल भूमि है उस पर कितना परसेंट गेहूं की खेती होती है, 14% गेहूं की खेती होती है, ध्यान रखना। ये डेटा भी आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा के अंदर। इसी में नेक्स्ट पे चलते हैं, ध्यान रखना। अब कुछ आर्थिक समीक्षा 2022-23 के डेटा यहां पर दिए गए हैं गेहूं के लिए। देखिएगा, गेहूं की जो कृषि हो रही है वो आपके हो रही है 30.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर। यानी वर्तमान में अगर गेहूं की खेती की बात करोगे तो 2022-23 की आर्थिक समीक्षा का जो डेटा है वो कितना है, 30.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर गेहूं का उत्पादन हो रहा है। गेहूं का टोटल उत्पादन कितना है, 106.84 मिलियन टन है। ये डेटा भी आप याद रख सकते हैं, यहां से कई बार पूछा भी जाता है। ठीक है, गेहूं का उत्पादन जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 106.84 मिलियन टन है। प्रमुख किस्मों की अगर बात करें, गेहूं की जो प्रमुख किस्में हैं, अगर उन किस्मों की बात करो तो सोनालिका है, गिरिजा है, कल्याण सोना है, चंद्रिका है, कंचन है, गोमती है। ये आपके गेहूं की यहां क्या है, प्रमुख किस्में है। कुछ गेहूं की बोनी किस्में भी यहां पर दी गई है। बोनी किस्मों के अंदर बात करोगे तो लेरमा है, रोजो है, सोनोरा 63 है और इसके अलावा भी जैसे आप और भी जैसे किस्में देख सकते हैं, लेकिन जो मेन किस्में हैं वो यहां पर मैंने दी हैं इसके अंदर। ठीक है, चलना। फिर अगर बात करें गेहूं के अंदर कौन कौन से रोग लग सकते हैं, तो गेहूं के अंदर एक रतवा लग सकता है, सैंपा लग सकता है और छाछा। यानी रतवा और छाछा तो कई बार पूछा गया है, रतवा और छाछा कई बार पूछा गया है, गेहूं में लगने वाले क्या है, रोग है। फिर अगर बात की जाए केंद्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र, अब भारत के अंदर जो केंद्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र है ना वो आपके करनाल हरियाणा के अंदर है, करनाल हरियाणा के अंदर है। यानी भारत के अंदर जो गेहूं अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है, करनाल हरियाणा के अंदर पड़ता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसी में नेक्स्ट पे ध्यान देना चावल, इसी में नेक्स्ट पे ध्यान देना चावल। अगर आप चावल की बात करें तो देखिएगा, दूसरी फसल जो आपके सिलेबस में दी हुई वो दी हुई चावल। चावल के लिए जलवायु कैसी चाहिए, उष्ण कटिबंधीय जलवायु होनी चाहिए, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, वर्षा थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, वर्षा यहाँ 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। और अगर मिट्टी की बात की जाए तो मिट्टी यहां पर ये चिकनी जलोढ़ मिट्टी है, चिकनी जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए, चिकनी जलोढ़ मिट्टी इसके लिए होनी चाहिए, ध्यान रखना। यानी इसके लिए जो मिट्टी होनी चाहिए वो चिकनी जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए। सर्वाधिक उत्पादक की बात करो तो सर्वाधिक उत्पादकता कहां पर है, पंजाब के अंदर है, ध्यान रखना। सर्वाधिक उत्पादक की अगर बात करोगे तो सर्वाधिक उत्पादकता कहां पर है, पंजाब के अंदर है। सर्वाधिक उत्पादन की आप बात करोगे तो पश्चिमी बंगाल सबसे बड़ा चावल का उत्पादक राज्य है, ध्यान रखना। पश्चात उत्तर प्रदेश है, फिर पंजाब है, फिर उड़ीसा है। यानी चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपको कौन सा ध्यान रखना है, पश्चिमी बंगाल, ध्यान रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
फिर इसी में बात करोगे आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अगर चावल के डेटाओं की बात करोगे तो चावल की जो कृषि हो रही है वो 43.38 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर हो रही है, यानी चावल की जो कृषि हो रही है वो लगभग आपके 43.38 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर हो रही है और चावल का जो उत्पादन हुआ है वो 130.29 मिलियन टन हुआ है। यानी चावल का जो उत्पादन हुआ है वो कितना हुआ है, 130.29 मिलियन टन हुआ है धानकणा। और अगर बात करोगे कुल कृषि भूमि के 25% भाग पर, यानी कुल कृषि भूमि के 25% भाग पर क्या उत्पादित किया जाता है, चावल उत्पादित किया जाता है, ध्यान रखना। फिर अगर विश्व में आप बात करोगे चावल के उत्पादन में, तो हम एक चीज ध्यान रखेंगे, चावल के उत्पादन में भारत का चीन के पश्चात विश्व में दूसरा स्थान आता है। यानी चावल के उत्पादन में अगर बात करोगे तो चीन के पश्चात भारत का विश्व में कौन सा स्थान आता है, दूसरा स्थान आता है। और भारत जो है लगभग 22%, यानी ध्यान रखना भारत लगभग 22% जो है आपके चावल का क्या करता है, उत्पादन करता है। यानी भारत जो है विश्व के कुल 22% चावल का क्या करता है, उत्पादन करता है। फिर अगर बात की जाए चावल की किस्में, तो ये मौसम के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। अगर चावल की किस्मों की आप बात करोगे तो मौसम के आधार पर कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, ध्यान रखना। इसमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट आता है शीतकालीन, या इसे अघेनी या अयन भी कहते हैं। ये मानसून के प्रारंभ में तैयार की जाती है, यानी मानसून के प्रारंभ में तैयार करके जुलाई अगस्त में इसे रोपा जाता है, ध्यान रखना। यानी ये आपके मानसून के प्रारंभ में, यानी मैं कहूं कि मई जून में इसे तैयार करके, मई जून में इसे तैयार करके हम जो है अगस्त और जुलाई के अंदर इसे रोप लेते हैं और कटाई इसकी जो की जाती है वो अक्टूबर से दिसंबर में की जाती है। और ये सर्वाधिक, ध्यान रखना, सर्वाधिक जो है 86% होती है। यानी हमारे यहाँ भारत के अंदर सबसे ज्यादा चावल होता है वो शीतकालीन के टाइम का होता है, जिसे अघेनी या अयन किस्म भी आप कहते हैं, ये आपके ज्यादा होती है, ध्यान रखना, लगभग 86%, ध्यान रखना, ठीक है, चलना। नेक्स्ट इसी में ध्यान रखिएगा शरदकालीन, शरदकालीन या कुंवारी या ओस इसे कहा जाता है। इसकी बुआई नवंबर दिसंबर में, कटाई मार्च अप्रैल में होती है, ध्यान रखना, कटाई मार्च अप्रैल में होती है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर बात की जाए किसकी, ग्रीष्मकालीन या बोरो की, ग्रीष्मकालीन या बोरो की, तो इस ग्रीष्मकालीन या बोरो के अंदर ये थोड़ा सा करेक्शन आप कर लीजिएगा। ग्रीष्मकालीन या बोरो के अंदर आप बात करोगे तो सबसे पहले बुआई की बात आती है, बुआई की बात करोगे तो यहां पर बुआई इसकी मार्च अप्रैल में हो जाएगी, ध्यान रखना, मार्च अप्रैल में इसकी क्या हो जाती है, बुआई हो जाती है, ध्यान रखना। और अगर इसकी कटाई की आप बात करोगे, कटाई की आप बात करोगे तो लगभग आपके जून जुलाई माह के आसपास, जून जुलाई माह के आसपास, बाकी इतना समय हमसे ज्यादा पूछता भी नहीं है। इसमें केवल केवल एक चीज ध्यान रखने योग्य है, एक चीज क्या ध्यान रखने योग्य है कि चावल की जो किस्में हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन सी किस्म बोई जाती है, तो शीतकालीन किस्म हमारे यहां सबसे ज्यादा बोई जाती है, और कितना परसेंट, 86% भाग पर बोई जाती है, ध्यान रखना, ठीक है, चलेगा। बात की जाए नेक्स्ट की, तो चावल की कुछ प्रमुख किस्में दी गई हैं, जिसमें देखिएगा जमुना है, पद्मा है, कृष्णा है, जया है, लालमती है, और गोल्ड साइरस है, गंगा है, सुरुचि है, नरेंद्र शंकर है, नरेंद्र सुराका है, सम्राट है, रत्ना है, और आई आर एट है। ऐसे ही गंगा की बहुत सारी किस्में निकाल रखी हैं, गंगा की और भी किस्में निकाल रखी हैं। जैसे आप राजस्थान के अंदर बात करोगे तो यहाँ पे एक किस्म जो है उसका नाम आपको याद रखना है, माही सुगंधा। कई बार पूछा भी जाता है माही सुगंधा जो है वो किसकी किस्म है, तो ये चावल की किस्म है, ध्यान रखना, प्रमुख राजस्थान में उत्पादित की जाने वाली प्रमुख किस्मों से एक है, ध्यान रखना, ठीक है, चलना। इसमें नेक्स्ट पे चलते हैं, चावल के अंदर कुछ रोग होते हैं, जैसे प्रमुख रोगों के अंदर आप देखोगे खैरा रोग, जिसे ब्राउन स्पॉट भी कहते हैं, खैरा रोग जिसे ब्राउन स्पॉट भी कहते हैं। अगर बात करोगे केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की, तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, कटक उड़ीसा के अंदर पड़ता है, ध्यान रखना। यानी चावल का जो केंद्रीय अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है आपके, वो आपके पड़ता है कटक उड़ीसा में। अगर आप बात करोगे भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र की, तो भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र हैदराबाद के अंदर पड़ता है, यानी भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, हैदराबाद के अंदर है। अगर आप बात करोगे अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, बनारस के अंदर है, ध्यान रखना, कहां पर है, बनारस के अंदर। तो ये चावल के बारे में हमने प्रमुख चीजें देखी। अब बात आती है किसकी, कपास की। अगर आप बात करोगे कपास की, तो देखिएगा भारत का दूसरा स्थान किसके पश्चात, चीन के पश्चात। यानी देखिएगा गेहूं के उत्पादन में चीन का पहला, चावल के उत्पादन में चीन का पहला, कपास के उत्पादन में चीन का पहला, लेकिन इन्हीं में आपने देखा कि सेकंड स्थान किसका आ रहा है, भारत का आ रहा है। तो यहां भी ज्यादा हमें लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर एक चीज में देखिएगा, हमने गेहूं में देखा, चावल में देखा, कपास में देखा, भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है, पहला किसका है, चीन का। जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है,
तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए, यानी जलवायु इसके लिए उष्णकटिबंधीय और तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक यहां तक होना चाहिए। बात क्लियर है, नेक्स्ट पे चलेगा। अगर इसके लिए वर्षा की बात की जाए तो वर्षा 75 से 110 सेंटीमीटर, यानी इसके लिए अगर वर्षा की आप बात करोगे तो 75 से 110 सेंटीमीटर। अगर मिट्टी की बात करोगे तो मिट्टी इसके लिए काली मिट्टी चाहिए, यानी मिट्टी इसके लिए कैसी चाहिए, काली मिट्टी चाहिए। और अगर सर्वाधिक उत्पादकता की बात करोगे तो सर्वाधिक उत्पादकता कहां पर है, पंजाब के अंदर है, यानी कपास की सर्वाधिक उत्पादकता कहां पर है, पंजाब के अंदर है। और सर्वाधिक उत्पादन की आप बात करोगे तो सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में है, फिर महाराष्ट्र, तेलंगाना और राजस्थान, यानी कपास के उत्पादन में हमारा चौथा स्थान है। कपास के उत्पादन हमारा कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। फिर अगर आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कुछ डेटा आप देखना चाहो तो कर सकते हैं। कुल कृषि 11.9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर, यानी कपास की जो कुल कृषि होती है वो 11.9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर होती है। और अगर आप बात करोगे कपास का कुल उत्पादन 31.20 मिलियन टन, यानी कपास का जो टोटल उत्पादन हुआ है वह 31.20 मिलियन टन हुआ है, ध्यान रखना। और अगर आप बात करोगे केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र की, तो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर है, नागपुर के अंदर है, ध्यान रखना, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है, ध्यान रखना, ठीक है। इसी में आप नेक्स्ट पे चलोगे, ध्यान देना, देखिएगा ये क्या कर रहे हैं। अमेरिकन कपास को उत्तर पश्चिमी भारत में नरमा कहा जाता है, यानी उत्तर पश्चिमी भारत वाला जो भाग है वहां पर आपके अमेरिकन कपास को क्या कहा जाता है, नरमा कहा जाता है, ध्यान रखना। इसकी प्रमुख किस्मों की बात करें तो विकास है, विक्रम है, विजय है, देसी है, श्यामली है, बीटी कॉटन है और अमेरिकन कपास है। बीटी कॉटन और अमेरिकन कपास, ये कपास की क्या है, प्रमुख किस्में हैं। फिर इसी में नेक्स्ट जो फसल आ जाती है वो आ जाती है गन्ना। अगर आप बात करोगे, देखिएगा भारत का ब्राजील के बाद दूसरा स्थान है, यानी गन्ने में हमारा कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है, लेकिन इस बार गन्ने के उत्पादन में जो प्रथम स्थान पर है वो कौन सा है, ब्राजील है, ध्यान रखना, कौन सा है, ब्राजील है। अगर इसके लिए जलवायु की बात करोगे तो उष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए, तापमान इसके लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। और अगर यहां पे कपास के अंदर एक लाइन और लिख दीजिएगा, 150 से अधिक दिनों तक पाला रहित मौसम, यानी 150 से अधिक दिनों तक पाला किसी प्रकार का नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा कपास की फसल समाप्त हो सकती है, ध्यान रखना, ठीक है, चलेगा। अगर इसके लिए वर्षा की आप बात करोगे गन्ने के लिए, तो वर्षा चाहिए 75 से 110 सेंटीमीटर तक। मिट्टी इसके लिए दोमट चाहिए, दोमट का मतलब होगा जिसके दो मोटे कण हो, जिसके दो मोटे कण हो। सर्वाधिक उत्पादन की आप बात करोगे तो गन्ने के उत्पादन में सर्वाधिक जो है आपके योगदान वो किसका है, उत्तर प्रदेश का है, सेकेंड महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गुजरात है, यानी गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र, सॉरी आपके उत्तर प्रदेश है, सेकंड नंबर पे आपके महाराष्ट्र आ जाएगा, थर्ड पे कर्नाटक है और फोर्थ पे कौन है, गुजरात है। भारत में उत्पादित गन्ने का 40% गुड़ तथा 60% चीनी बनाने में उपयोग में होता है, यानी भारत के अंदर जो आपके टोटल गन्ना उत्पादित होता है उसमें से 40% जो है गुड़ बनाने के लिए काम में आएगा और 60% जो है चीनी बनाने के काम में आएगा। अगर आप बात करोगे आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार, यानी अगर आप इस गन्ने के अंदर आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अगर डेटा आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से है। कुल कृषि, गन्ने की कुल कृषि 5.15 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर, यानी गन्ने की जो कुल कृषि हो रही है वो 5.15 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर हो रही है। अगर आप बात करोगे इसके अंतर्गत गन्ने का टोटल उत्पादन हुआ है 431.81 मिलियन टन, यानी गन्ने का जो टोटल उत्पादन हुआ है वो 431.81 मिलियन टन हुआ है, ध्यान रखना, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देखिएगा केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, अगर पूछा जाता है कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर है तो ये कोयंबटूर तमिलनाडु के अंदर है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र तो ये कोयंबटूर तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, ध्यान रखना। और अगर आप बात करोगे भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, तो भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है ये लखनऊ के अंदर है, यानी भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर है, लखनऊ के अंदर है। फिर इस गन्ना के अंदर कुछ रोग लगते हैं, जैसे लाल सड़न रोग हो जाता है, छेदक रोग हो जाता है, कड़वा रोग हो जाता है, रेड क्रॉस। अब ये लाल छेदन और रेड क्रॉस कई बार पूछे जाते हैं, तो इन दोनों को इंपॉर्टेंट कर देना, रेड क्रॉस और लाल सड़न रोग किसमें लगते हैं, तो ये गन्ने में लगने वाले रोग हैं, गन्ने में लगने वाले क्या हैं, रोग है, ध्यान रखना, ठीक है, चलना। फिर नेक्स्ट फसल आ जाती है हमारी चाय। अगर आप चाय की बात करोगे तो इसके लिए जलवायु कैसी चाहिए, उष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए, तापमान इसके लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, वर्षा
150 से 200 सेंटीमीटर, और मिट्टी की बात करोगे तो लेटराइट मृदा इसके लिए चाहिए। लेटराइट मृदा इसके लिए क्या है, आवश्यक होनी चाहिए। भारत में चीनी, भारत में चीन के बाद दूसरा बड़ा उत्पादक देश है, यानी भारत जो है चीन के पश्चात दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। अब देखिएगा, गन्ने में ब्राजील पहले पे, हम दूसरे पे। स्टार्टिंग से आप बात करे थे, गेहूं के अंदर देखा आपने, चावल के अंदर देखा, कपास के अंदर देखा, और अब आप किसमें देख रहे हो, चाय में देख रहे हो। पहला बड़ा उत्पादक देश कौन है, चीन है। दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, भारत है। ध्यान रखना इस बात का। प्रमुख उत्पादन असम से, पश्चिम बंगाल से, तमिलनाडु से, केरल से। एक तो देश याद रखना और एक राज्य याद रखना, पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। प्रमुख किस्मों की आप बात करोगे तो भोइया है, मकई बारी है, गोल्डन नीडल है और असामिका है। ये आपके चाय की प्रमुख क्या है, किस्में हैं। अगर आप बात की जाती है टी बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना, तो ये 1 अप्रैल 1954 को की गई थी। यानी टी बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब की जाती है, 1 अप्रैल 1954 को की जाती है, ध्यान रखना। और अगर आपसे बात की जाती है केंद्रीय चाय अनुसंधान केंद्र, तो केंद्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जो है वो असम राज्य के जोरहट जिले में पड़ता है, ध्यान रखना, जोरहट जिले में पड़ता है, ध्यान रखना। तो केंद्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहां पर है, जोरहट असम के अंदर पड़ता है, ध्यान रखना। फिर इसी में नेक्स्ट आ जाता है कॉफी या कहवा। कॉफी या कहवा, जलवायु इसके लिए उष्ण कटिबंधीय चाहिए, तापमान 16 से 28 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। यानी इसके लिए तापमान जो है 16 से 28 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, और इसमें जो जलवायु चाहिए वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए, ध्यान रखना। वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर तक चाहिए। मिट्टी दोमट लावा से युक्त होनी चाहिए। उत्पादन में जो अग्रणी राज्य कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, भारत के पश्चिमी घाट वाले एरिया के अंदर आपके कॉफी या कहवा की खेती ज्यादा होती है। अब यहां क्या होता है कि प्री मानसून की वर्षा होती है, इस प्री मानसून की वर्षा के कारण जो है आपके यहां पर होने वाली वर्षा को कॉफी या कहवा की वर्षा कहा जाता है, कॉफी या कहवा की वर्षा कहा जाता है। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र ये जो है आपके बोले हुनूर कर्नाटक के अंदर है। यहां इसकी प्रमुख किस्मों की अगर बात की जाए तो लिबेरिका है, रोबस्टा है, अरेबिका है। अब ये लिबेरिका और अरेबिका ये इंपॉर्टेंट है। कॉफी का मूल स्थान अबिसिनिया इथोपिया है, और ये पूर्वी अफ्रीकन प्रदेश का भाग है, यानी पूर्वी अफ्रीकन प्रदेश के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना। और अगर बात की जाएगी भारत में सर्वप्रथम जो कॉफी का उत्पादन हो रहा है वो कहां से हो रहा है, ध्यान रखना, तो ये बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में, यानी भारत के अंदर सबसे पहले जो कॉफी के बागान लगाए गए थे वो कहां पे लगाए थे, बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में लगाए गए थे, ध्यान रखना। यानी भारत के अंदर अगर आप बात की जाए कॉफी का जो सबसे पहले उत्पादन हुआ है वो बाबा बुदन की पहाड़ी पे लगाया गया था, ध्यान रखना, ठीक है। ये यहां तक किसका हो गया, आपके कॉफी वगैरह का हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। अब भारत में ये खाद्यान्न के कुछ डेटा दिए गए हैं, इनको भी आपको याद रखना है। भारत में खाद्यान्न में क्या डेटा दिए गए, अगर कुल खाद्यान्न उत्पादन की आप बात करते हैं तो नंबर एक पे उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। यानी कुल खाद्यान्न उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है, और सर्वाधिक जो स्थान यानी पहला जो स्थान आता है वो किसका है, उत्तर प्रदेश का। फिर कुल उत्पादन में राजस्थान, यानी राजस्थान में कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना परसेंट होता है, 7.88% होता है, ध्यान रखना। अब इसमें अलग अलग डेटा दिए हुए हैं, जैसे गेहूं के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश है, थर्ड पे पंजाब है, और फोर्थ पे हरियाणा है। फोर्थ पे कौन है, हरियाणा है। फिर क्या कह रहा है, देश के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान 10% है। यानी गेहूं के उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना परसेंट है, 10% है, ध्यान रखना। बात की जाए बाजरा उत्पादन की, तो आपको बताएं मोटे अनाजों के उत्पादन के मामले में राजस्थान अग्रणी राज्य है। उसमें राजस्थान पहले नंबर पर आता है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है, हरियाणा तीसरे पे, चौथे पे गुजरात है। यानी बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, राजस्थान का है, यह आपको ध्यान रखना है। गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। बात की जाए इसी में नेक्स्ट पे चावल का उत्पादन, चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पश्चिमी बंगाल का है। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, वो आपके पश्चिमी बंगाल है। सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश, थर्ड पे पंजाब, फोर्थ पे उड़ीसा। तो ये भी डेटा आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। बात की जाए ज्वार उत्पादन की, ज्वार उत्पादन की आप बात करोगे तो महाराष्ट्र टॉप, सेकंड नंबर पे कर्नाटक, थर्ड पे राजस्थान और फोर्थ पे तमिलनाडु। यानी ज्वार के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है बेटा, तीसरा स्थान है।
बात की जाए मक्का उत्पादन की, तो मक्का उत्पादन में राजस्थान छठे स्थान पर है और जो आपके प्रथम स्थान पर कौन है, कर्नाटक है। तो ये मक्का वाला भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सेकंड पे मध्य प्रदेश आता है, थर्ड पे महाराष्ट्र है और फोर्थ पे आपके तमिलनाडु है। लेकिन मक्का के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, छठा स्थान है। बात की जाए इसी में नेक्स्ट पे दलहन का उत्पादन, दलहन के उत्पादन में जो है वो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है और दलहन के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। ये लिस्ट आप जरूर देख के जाइए परीक्षा में ताकि आपको यहां से एक प्रश्न का फायदा हो। थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र है, फोर्थ पे उत्तर प्रदेश है। बात की जाए चना उत्पादन की, अगर चना उत्पादन की बात करोगे तो प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश का, सेकंड महाराष्ट्र का, फोर्थ थर्ड राजस्थान का और फोर्थ गुजरात का। फोर्थ किसका, गुजरात का। फिर ये क्या कह रहा है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, देश के कुल उत्पादन में राजस्थान का 19.37% योगदान है। यानी जो टोटल चना उत्पादन हो रहा है उसमें से राजस्थान में कितना परसेंट हो रहा है, 19.37% उत्पादन हो रहा है और राजस्थान चने के उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है। ध्यान रखना कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। तिलहन उत्पादन की आप बात करोगे तो तिलहन उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। तिलहन उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पर है, प्रथम स्थान पर और सरसों में पहले स्थान पर आएगा, ध्यान रखना। सेकंड पे महाराष्ट्र है, थर्ड पे मध्य प्रदेश है, फोर्थ पे गुजरात है। देश के कुल उत्पादन में राजस्थान का 22% योगदान है। यानी तिलहन के टोटल जो आपके उत्पादन हो रहा है उसमें से राजस्थान का योगदान कितना परसेंट है, 22% है। ध्यान रखना कितने परसेंट है, 22% है। इसी में नेक्स्ट पे आप चलोगे तो ध्यान देना मूंगफली के उत्पादन में, मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर गुजरात है, सेकंड पे राजस्थान है, थर्ड पे तमिलनाडु और फोर्थ पे आंध्र प्रदेश। यानी जो आपके मूंगफली उत्पादन है उसमें प्रथम स्थान पे गुजरात है, सेकंड पे राजस्थान है, थर्ड पे तमिलनाडु है और फोर्थ पे आंध्र प्रदेश है। देश के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान, राजस्थान का योगदान 18.91% है। यानी देश का जो टोटल आपके उत्पादन हो रहा है मूंगफली का उसमें राजस्थान का योगदान कितना परसेंट है, 18.91% है। ध्यान रखना। बात की जाए कपास उत्पादन की, तो कपास उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पर है, सेकंड पे महाराष्ट्र है, थर्ड पे तेलंगाना है और फोर्थ पे राजस्थान है। यानी जो आपके कपास उत्पादन है उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है, राजस्थान का चौथा स्थान है, ध्यान रखना। ठीक है, बात की जाए पोषक या मोटे अनाजों की, मोटे अनाजों या पोषक अनाजों की बात की जाए तो राजस्थान प्रथम स्थान पर है। मैंने कहा था मोटे अनाजों में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, सेकंड स्थान पे कर्नाटक है, थर्ड पे महाराष्ट्र है, फोर्थ पे आपके मध्य प्रदेश है, फोर्थ पे कौन है, मध्य प्रदेश है। देश के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान 16.30% है। यानी देश का जो आपके टोटल मोटे अनाजों का उत्पादन हो रहा है उसमें राजस्थान का योगदान कितना परसेंट है, 16.30% योगदान है, ध्यान रखना। बात की जाए नेक्स्ट पे सरसों के उत्पादन में, सरसों के उत्पादन में राजस्थान प्रथम। मैंने कहा था सरसों के उत्पादन में राजस्थान अग्रणी राज्य है, सरसों का प्रदेश भी कहा जाता है। और एक चीज और याद रखना, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, सरसों अनुसंधान केंद्र ये आपके पड़ता है बेटा सेवर भरतपुर में, सेवर भरतपुर में पड़ता है, ध्यान रखना। फिर बात की जाए देश के कुल उत्पादन में, देखो सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश है, थर्ड पे हरियाणा, फोर्थ पे उत्तर प्रदेश। देश के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान 44.57%। यानी मैक्सिमम सरसों का उत्पादन कहां से हो रहा है, राजस्थान से हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए राजस्थान को सरसों का प्रदेश भी कहते हैं। सोयाबीन प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है, सेकंड मध्य प्रदेश का, राजस्थान तीसरा स्थान है। यानी सोयाबीन के उत्पादन में राजस्थान कौन सा स्थान पर है, तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर कर्नाटक है। अगर आप बात करोगे राजस्थान देश के कुल उत्पादन में योगदान कितना परसेंट देता है, तो 6.49% योगदान देता है देश के कुल सोयाबीन उत्पादन में। यानी टोटल सोयाबीन जो उत्पादन हो रहा है उसमें से राजस्थान का योगदान कितना परसेंट है, 6.49% है, ध्यान रखना। बात की जाए नेक्स्ट पे तो देखिएगा, ये हमारा फसलों का और उससे जुड़े हुए डेटा का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं किसकी, परिवहन की, परिवहन की। यहां से भी परिवहन के अंदर देखो आपके सड़क परिवहन यहां पे दिया हुआ है, इसके अलावा और कोई परिवहन आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा परिवहन किसे कहते हैं, क्या किसी वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने व ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परिवहन कहलाती है। यानी आप किसी वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ला भी रहे हैं और ले जा भी रहे हैं, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, परिवहन। और जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है वे परिवहन के साधन कहलाते हैं। यानी जो भी साधन आप काम में ले रहे हैं वो परिवहन के साधन कहलाएंगे। भारत में मोस्टली 5 प्रकार का परिवहन दिखाई देता है, जैसे सबसे पहले सड़क परिवहन की, फिर रेल परिवहन, वायु परिवहन,
पाइपलाइन परिवहन और जल परिवहन। राजस्थान के अंदर जल परिवहन दिखाई नहीं देता है ध्यान रखना। भारत के अंदर परिवहन 5 प्रकार का, राजस्थान में परिवहन 4 प्रकार का ध्यान रखना। 4 प्रकार का जल परिवहन राजस्थान में नहीं है, भारत के अंदर है ध्यान रखना, क्योंकि राजस्थान किसी तटवर्ती क्षेत्र के साथ या सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है ध्यान रखना। ठीक है, चलेगा। देखिएगा, इसमें सबसे पहले आता है सड़क परिवहन। सड़क परिवहन सबसे सुगम परिवहन। सुगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डोर टू डोर सर्विस दे सकता है, आपके घर तक सड़क परिवहन की सुविधा उपलब्ध है, ध्यान रखना। भारत में सड़कें 4 प्रकार की होती हैं। देखिएगा, सड़क 4 प्रकार की। सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग। अब यहां पे ध्यान देना, अगर आप यहां पे देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, कैसे पता करेंगे कि आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे हैं? जैसे आपने देखा होगा कि यहां पर दूरी के जो माइलस्टोन लगे हुए होते हैं, अगर उस दूरी के माइलस्टोन का जो ये ऊपरी भाग है, अगर इसके ऊपर कलर किया गया यहां पे पीला, तो आप इस बात को मान के चलिए कि आप किसके ऊपर चल रहे हैं, आप चल रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर। किसके ऊपर चल रहे हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर। यानी दूरी के माइलस्टोन का जो ऊपरी भाग होता है, अगर उस पर कलर किया हुआ है पीला, तो आप किसके ऊपर चल रहे हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर चल रहे हैं, नेशनल हाईवे के ऊपर चल रहे हैं, ध्यान रखना। अब देखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग, इनके निर्माण एवं रखरखाव का कार्य केंद्र सरकार द्वारा, ध्यान से समझ रहे हैं इस लाइन को, केंद्र सरकार द्वारा 1995 में गठित, यानी केंद्र सरकार ने 1995 में एक संस्था का गठन किया, और वह संस्था है आपके कौन सी? NHAI, बोले तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ये क्या करता है? इसके अधीन एक विभाग है जिसका नाम है PWD। PWD बोले तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग। ये एक लोक निर्माण विभाग क्या करता है? इसके द्वारा BOT, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसपोर्ट, तथा PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर किया जा रहा है। अब ये क्या करते हैं, पहले सरकार जो है किसी भी क्षेत्र में सड़क बनाने के लिए डायरेक्ट पैसा देता था, आजकल सरकार ने डायरेक्ट पैसा देना बंद कर दिया है, बिचौलिया सिस्टम बंद हो गया। अब सरकार क्या कह रहा है कि प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, वो सड़क बनाने के लिए हमें, हमारे यहां से टेंडर ले सकती है। उसमें क्या करेंगी, जो कंपनियां हैं वो अपनी तरफ से टेंडर लेकर सड़क बनाती हैं, और उस सड़क के लिए सरकार उन्हें एक लिमिटेड टाइम भी देती है कि ये रोड इतने समय तक तैयार होनी चाहिए और इतने समय तक ये रोड चलनी चाहिए। फिक्स सालों के लिए टेंडर होता है, उसमें टोल वगैरह जो वसूली का काम होता है वह भी उसी कंपनी के द्वारा। तो अब इसमें सरकार का न तो ज्यादा पैसा वेस्टेज होगा, ना बीच का ये बिचौलिया सिस्टम है, ये चलेगा आराम से जो है। अब ये जो आपके प्राइवेट सेक्टर के जो मॉडल है, वही BOT और PPP मॉडल होंगे। अब ये प्राइवेट सेक्टर वाले भी जो है अपनी तरफ से खुलकर काम, या खुलकर अपनी तरफ से कोई नियम कायदे नहीं बना सकते। ये भी किसके अधीन कर रखे हैं? PWD और NHAI, जो सरकार के संगठन है, जो सरकार के क्या है? संगठन है। तो ये भी हावी नहीं हो सकते, ध्यान रखना। अब बात की जाती है भारत में सड़कों का विकास। क्या कह रहा है? भारत में NHAI के अधीन सड़कों का विकास 7 चरणों में किया जा रहा है। यानी NHAI के द्वारा क्या किया जा रहा है? सड़कों का विकास 7 चरणों में किया जा रहा है। अब 7 चरणों में कैसे किया जा रहा है? देखिएगा, प्रथम चरण में क्या कह रहा है कि इस चरण के तहत भारत के 4 महानगरों को राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से आपस में जोड़ा जाएगा। भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से जाना जाता है। अब जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को कि यह कहना क्या चाहता है, सुनिएगा देखना। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये 4 बड़े महानगर। इन 4 बड़े महानगरों का चयन किया गया और चयन करके यहां पर सड़कों का विकास किया गया कुछ इस प्रकार से। प्रारंभ में क्या किया जाता है, यहां से दिल्ली से यहां गुजरात तक,
दिल्ली से गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में या मुंबई तक एक सड़क विकसित की गई, एक सड़क विकसित की गई और इस सड़क का नाम रखा गया NH8। यहां से थोड़ा आगे चलोगे तो इस प्रकार से यहां पे भी एक रोड विकसित की गई, हाईवे विकसित की गई, जो हाईवे जानी जा रही थी NH4 के नाम से। यानी इसे किस नाम जाना गया? NH4 के नाम से। यहां से थोड़ा और आगे चलोगे आप तो इस वाले भाग में यहां पे इस प्रकार से एक हाईवे विकसित किया गया, एक हाईवे विकसित किया गया और इस हाईवे को जाना जाता है NH5 के नाम से। यहां से आपने सुना होगा कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में यहां इस अमृतसर से, यहां पे लाहौर, लाहौर से अमृतसर, अमृतसर से दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता एक रोड विकसित की गई थी जिसका नाम था जीटी रोड। बोले तो ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड बोले तो ग्रैंड ट्रंक के रोड। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यहां से लेकर यहां तक ये जो आपके NH विकसित किया गया दिल्ली से लेकर यहां तक, ये पूरा का पूरा जो कोलकाता तक NH विकसित किया गया है, इस NH को जाना जाता है NH2 के नाम से, NH2 के नाम से। अब देखिएगा, इन चारों को अगर आप मिला देते हैं तो एक आकार बन रहा है स्वर्णिम चतुर्भुजाकार। अब सरकार ने क्या किया कि अभी जो है राष्ट्रीय राजमार्गों के क्रमांक चेंज कर दिए। क्रमांक चेंज क्या किए कि जो उत्तर से दक्षिण की ओर जितने भी NH जाते हैं उन सभी के कोड जो है आपके समसंख्या में रखे गए, और जो पूर्व से पश्चिम की ओर NH जा रहे हैं उन सभी के कोड जो है उन्होंने विषम संख्या में रख दिए। किसमें रखे? विषम में। यहां पे किसमें रखे थे? सम में। यानी उत्तर से दक्षिण वाले सम में, पूर्व से पश्चिम वाले विषम में। अब क्या किया सरकार ने कि ये पूरा का पूरा जो एक NH था, इस पूरे के पूरे एक NH को, ये वाला जो NH था, चार और आठ को जो है सरकार ने क्या किया, एक ही बना दिया, एक ही NH बना दिया। और एक ही NH जो बनाया यहां पे उसका नाम रखा सरकार ने NH48। यानी NH4 और 8 को मिलाकर जो नया NH बनाया गया उसका नाम रखा गया NH48। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि NH48 वर्तमान में कहां से कहां तक है, तो ये दिल्ली से चेन्नई तक है। यहां से आप आगे चलोगे इसी में तो यहां पे देखिएगा, ध्यान से समझना, इस चेन्नई से इधर आप जाओगे कोलकाता तक, यहां तक जो NH बनाया गया है उस NH का अब नाम चेंज कर दिया गया, और NH का नाम चेंज करके कर दिया गया है 16। क्या नाम चेंज कर दिया गया है? 16। अब देखो, ध्यान देना, इधर 48 इसमें 3 का भाग लगाते ही सामने वाला NH आ जाएगा 48, क्योंकि पहले NH 4 हुआ करते थे, अब NH इसमें 3 ही बचे हैं। यहां से आप आगे जाओगे इस वाले पोर्शन में दिल्ली से यहां लास्ट कोलकाता तक, तो यहां तक जो NH था उसका नाम अब बदलकर कर दिया गया है NH19। क्या कर दिया गया? NH19। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कितने NH आएंगे? टोटल NH आएंगे 3। और इसमें आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, दिल्ली से चेन्नई तक NH48, चेन्नई से कोलकाता तक NH16, और कोलकाता से दिल्ली तक NH19। NH2 का नया नाम 19, 5 का नया नाम 16, 4 और 8 का नया नाम 48। याद रखना है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में पहले 4 NH, अब टोटल कितने? 3 ही NH आएंगे। इसी में आप नेक्स्ट पे चलोगे तो ध्यान देना क्या कह रहा है, योजना के अंतर्गत पहले 4 राष्ट्रीय राजमार्ग आते थे, NH2 आता था, 8, 4 और 5। वर्तमान में इसके अंतर्गत 3 राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं जो निम्नलिखित हैं। बात की जाए NH48 की, तो NH48 पूर्व में NH8 तथा 4 के नाम से जाना जाता था। इसका जो रूट रहेगा वो दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र, मुंबई, कर्नाटक, तमिलनाडु और चेन्नई। यानी ये चेन्नई तक जा रहा है। इसकी टोटल लंबाई की बात करोगे तो 2807 किलोमीटर है। यानी NH48 की टोटल लंबाई कितनी है? 2807 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी यह भारत के सबसे बिजी हाईवे में से एक है। भारत के सबसे बिजी हाईवे में से क्या है? एक है, ध्यान रखना, कौन सा? NH48। बात की जाए NH16 की,
पूर्व में एनएच 5 के नाम से जाना जाता था। रूट की बात की जाए तो तमिलनाडु, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से उड़ीसा, उड़ीसा से पश्चिम बंगाल, कोलकाता। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 1711 किलोमीटर है। ये यहां पे 1711 किलोमीटर आप इसको कर लीजिए, यानी टोटल लंबाई कितनी है? 1711 किलोमीटर है, 1711 किलोमीटर है। अगर इसमें बात करोगे 19 की, पूर्व में एनएच 2 के नाम से जाना जाता था। रूट इसका जो जाएगा दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल, कोलकाता तक अंतिम इसका रूट है, ध्यान रखना। टोटल लंबाई इसकी कितनी है? 1435 किलोमीटर है। टोटल कितना है? 1435 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की कुल लंबाई 5953 किलोमीटर है, 5953 किलोमीटर है। यहां तक इसको ध्यान रखना है, यहां तक इसको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, चलेगा। यहां तक आपने इसको समझ लिया होगा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे ध्यान दीजिएगा, दूसरा चरण। इसके तहत श्रीनगर के कन्याकुमारी, यानी श्रीनगर से कन्याकुमारी को, कन्याकुमारी को उत्तर दक्षिण गलियारे के तहत तथा सिलचर व पोरबंदर को पूर्व पश्चिम गलियारे के तहत आपस में जोड़ा जा रहा है। सुनना बात को ध्यान से, इसमें क्या कंसेप्ट है देखिएगा। इन्होंने क्या किया है कि यहां पे श्रीनगर, यहां पे कन्याकुमारी, इसको तो उत्तर दक्षिण गलियारे के तहत एक एनएच, एक ही एनएच के माध्यम से सीधा जोड़ दिया गया। एक ही एनएच के माध्यम से सीधा जोड़ दिया गया इसको, और ये एनएच जो विकसित किया गया, इस एनएच को नाम दिया जाता है एनएच 44। पहले एनएच 7 हुआ करता था। सेकंड क्या कर दिया कि यहां से पोरबंदर, पोरबंदर से यहां पर सिलचर असम, इस पोरबंदर से सिलचर असम के बीच जो यहां पे एनएच विकसित किया गया है, उस एनएच को नाम दिया जाता है, ध्यान रखना, एनएच 27। एनएच 27 NH 27 पहले इसे नाम दिया जाता था 76, इसे पहले नाम दिया जाता था NH 7। पहले क्या नाम दिया जाता था? NH 7। NH 7 जो आपके ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक था, और NH 76 जो था ये आपके पिंडवाड़ा सिरोही से लेकर शिवपुरी MP तक था। अब यहां पे क्या कर दिया, इस प्रकार से NH दोनों विकसित कर दिए गए। अब आपसे यहां से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये आपस में एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं? तो ये झांसी यूपी में काटते हैं, यानी ये तो आपके उत्तर दक्षिण गलियारा हो गया, ये पूर्व पश्चिम गलियारा हो गया। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारे के तहत टोटल जो एनएच आते हैं कितने आते हैं? 2 ही आते हैं, ध्यान रखना। अब देखना इनकी चर्चा करते हैं, एक एक दो दो एनएच कौन से आते हैं। देखिएगा, एनएच 44 पूर्व में एनएच 7 के नाम से जाना जाता था। रूट इसका जम्मू, जम्मू से पंजाब, पंजाब से चंडीगढ़, ध्यान रखना चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। यहां से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से यूपी, यूपी से राजस्थान, राजस्थान के अंदर यह धौलपुर जिले से गुजरता है। कहां से गुजरता है? धौलपुर जिले से गुजरता है। वहां से एमपी, एमपी से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से तेलंगाना, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से कर्नाटक, कर्नाटक से तमिलनाडु, यानी ये तमिलनाडु तक लास्ट फैला हुआ है। कौन सा एनएच? एनएच 44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, 3745 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। यानी ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ध्यान रखना, 3745 किलोमीटर की क्या है? लंबाई है। और ये उत्तर दक्षिण गलियारे के तहत श्रीनगर को कन्याकुमारी से क्या करता है? जोड़ता है। श्रीनगर कन्याकुमारी को आपस में क्या करता है? जोड़ता है उत्तर दक्षिण गलियारे के तहत। बात आती है नेक्स्ट पे, ध्यान देना इसी पे। एनएच 27 पूर्व में एनएच 76 के नाम जाना जाता था।
मैंने आपको बताया था NH76 जो था वो पिंडवाड़ा सिरोही से लेकर आपके शिवपुरी एमपी तक फैला हुआ था। रूट की बात की जाए तो असम के अंदर सिलचर है, वहां से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से बिहार, बिहार से यूपी, यूपी से एमपी, एमपी से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात और गुजरात में पोरबंदर में जाकर समाप्त। टोटल लंबाई की बात की जाए तो 3,507 किलोमीटर। अब ये इसका एक उपनाम है, ये कई बार पूछा जाता है क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन होता है, सॉरी आपके आयात निर्यात होता है यानी ट्रांसपोर्ट होता है, तो इस कारण इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की नब्ज या नाड़ी कहा जाता है, क्योंकि जब तक नाड़ी चलेगी तब तक आप जीवित है, अन्यथा जीवित नहीं है। तो अर्थव्यवस्था के लिए यानी जो आपके वाहन है उनके चलने के लिए फ्यूल का बहुत जरूरी है, फ्यूल का होना बहुत जरूरी है। यह पूर्व पश्चिम गलियारे के तहत सिलचर पोरबंदर को जोड़ता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे की जो टोटल लंबाई वो कितनी है, 7,252 किलोमीटर है, 7,252 किलोमीटर है, यानी उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे की लंबाई जो है वो कितनी है, 7,252 किलोमीटर है। ध्यान रखना उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को झांसी यूपी में काटते हैं, वो भी आपने चित्र में देखा था, ये झांसी यूपी में काट रहे हैं, यानी उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को आपस में कहां पर काट रहे हैं, झांसी यूपी के अंदर काट रहे हैं। ध्यान रखना झांसी यूपी के अंदर काट रहे हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट इसमें बात आती है तीसरा चरण, तीसरे चरण की हमने क्या किया है बात कि इसके तहत राज्य की राजधानियों एवं पर्यटन स्थलों को आपस में जोड़ा जा रहा है, किसके माध्यम से, एनएच के माध्यम से, क्योंकि कोई भी पर्यटक जब विदेश से आता है तो वह वहां के कैपिटल सिटी में आता है, न कि किसी अदर सिटी में आएगा। अब कैपिटल सिटी से वहां तक जो पर्यटन केंद्र है, जो पर्यटन का क्षेत्र है या कोई पर्यटन स्थल है, वहां तक जाने के लिए उसको एक अच्छी रोड चाहिए, वो टूटी फूटी रोड से नहीं जाएगा। अब जाए इसके लिए वो आपके पर्यटन को बढ़ावा मिले, इसके लिए सरकार ने क्या किया कि हम एक काम करते हैं, राजधानियों को पर्यटन स्थलों के माध्यम से जब जोड़ेंगे तो वो एनएच से जोड़ देंगे, ताकि पर्यटक बहुत आसानी से वहां पर क्या कर जाए, चला जाए। बात कर रहा है चौथा चरण, चौथे चरण के तहत एनएच को फुटपाथ सहित विकसित किया जा रहा है। फुटपाथ सहित इसलिए विकसित किया जा रहा है क्योंकि भारत के अंदर जो पैदल यात्री होता है ना, यातायात का बादशाह होता है, वो कहीं से भी निकल जाता है, तो बादशाह के चलने के लिए फुटपाथ भी होना चाहिए, ध्यान रखना फुटपाथ भी होना चाहिए। पांचवा चरण, इसके तहत एनएच का विकास बीओटी आधार पर किया जा रहा है। मैंने भी आपको बताया था बीओटी एक जो है प्राइवेट सेक्टर का एक मॉडल है, ध्यान रखना, ठीक है चलना। नेक्स्ट आप बात करोगे छठा चरण, इसके तहत एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। अब एक्सप्रेसवे इस समय जो भारत में सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। अगर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात करोगे तो यह दिल्ली मुंबई तक प्रस्तावित है, यानी दिल्ली से मुंबई तक प्रस्तावित है। कुल लंबाई अगर इसकी बात की जाए तो 1386 किलोमीटर है, यानी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है, 1386 किलोमीटर है। यह मार्ग 12 लाइन का होगा, यानी इस लाइन की जो टोटल मार्ग होंगे, इस मार्ग के अंदर जो टोटल लाइन होगी वो कितने लाइन होंगे, 12 लाइन होंगे, ध्यान रखना। एनएच बेसिकली जो देखिएगा एक लाइन का हो सकता है, दो लाइन का, चार लाइन, छह लाइन, आठ लाइन और 12 लाइन। इस मार्ग के बनने से दिल्ली तथा मुंबई के बीच 12% की दूरी कम हो जाएगी। अगर ये विकसित हो जाता है तो उस कंडीशन में दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी 12% कम हो जाएगी, और यात्रा का जो समय पहले 24 घंटे लगता था ना, अब 12 घंटे लगेगा, ध्यान रखना। तो क्या कह रहे हैं, दोनों स्थानों के मध्य यात्रा का समय 24 घंटे से घटकर 12 घंटे हो जाएगा। जहां पहले 24 घंटे का समय लग रहा था, अब 12 घंटे के अंदर ही आप वहां दिल्ली और मुंबई के बीच की यात्रा आराम से कर सकते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, यह मार्ग दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, एमपी तथा महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा, यानी ये जो राजमार्ग है ये दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात, गुजरात से एमपी और एमपी से महाराष्ट्र तक ये गुजरेगा, ध्यान रखना। यानी ये यहां से दिल्ली से मुंबई महाराष्ट्र तक आ रहा है, ध्यान रखना। तो ये स्टेट इसके बीच में पड़ने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 फरवरी 2023 को दिल्ली दौसा लालसोट खंड का लोकार्पण किया, यानी प्रधानमंत्री जी ने जो है अभी रिसेंटली 12 फरवरी 2023 को जो है दिल्ली लालसोट और जो आपके दौसा खंड है उसका लोकार्पण कर दिया है। अगर इसकी लंबाई की बात करोगे तो 246 किलोमीटर है। अब दिल्ली से जयपुर के बीच की दूरी महज 3 घंटे में तय की जा सकेगी। अगर आप जयपुर से दिल्ली के बीच की यात्रा कर रहे हैं तो इस मार्ग का इस्तेमाल करके आप महज 3 घंटे में वहां आप पहुंच सकते हैं आराम से।
इस खंड की कुल लागत 12,173 करोड़ रुपए, यानी इस खंड के अंदर जो टोटल लागत आई है वो कितनी आई है, 12,173 करोड़ रुपए। और साथ ही साथ अगर इस एक्सप्रेसवे का आप इस्तेमाल करते हैं तो जयपुर की यात्रा आप कर सकते हैं, सरिस्का अलवर आप जा सकते हैं, केवला देव भरतपुर आप जा सकते हैं, रणथंबोर सवाई माधोपुर जैसे पर्यटन स्थलों की आप सैर कर सकते हैं। अगर इस हाईवे से गुजर रहे हैं तो ये पर्यटन स्थल या ये आपके जो दर्शनीय स्थल हैं, शोभनीय स्थल हैं, वहां पर भी आप यात्रा कर सकते हैं, यहां की सैर करवाई जा सकती है इस एनएच के माध्यम से ही रखना। ठीक है, चलना बात की जाती है सातवां चरण। सातवें चरण के तहत रिंग रोडों का निर्माण किया जा रहा है। ये फिर मैंने भारत में एनएचओ का एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको दिया है, ध्यान रखना ये बेसिक स्ट्रक्चर है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखना पूछा जा सकता है। ठीक है, चलना ये थोड़ा सा देख के चले जाइएगा परीक्षा में ताकि आपके ये क्लियर हो जाए अच्छे से। ठीक है, वैसे मैंने एनएच सारे लगभग इसके जो है समझा दिए आपको, अच्छे तरीके समझा दिए हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बात की जाए नेक्स्ट पे राज्य राजमार्ग, इसके निर्माण रखरखाव का कार्य केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। इनके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यों की राजधानियों एवं प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ा जाता है। इनकी लंबाई 1.71 लाख किलोमीटर है। दिमाग में एक विचार और आएगा कि भारत में एनएच की लंबाई या राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई, लंबाई 1,44,955 किलोमीटर, यानी भारत में वर्तमान में 1,44,955 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग दिखाई देते हैं। ध्यान रखना भारत के अंदर जो टोटल राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई वो कितनी है, 1,44,955। बात आती है जिला सड़कें, डिस्ट्रिक्ट रोड, निर्माण एवं रखरखाव का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इनके द्वारा राजमार्गों, प्रमुख शहरों एवं जिले की प्रमुख प्रशासनिक इकाइयों को आपस में जोड़ा जाता है, यानी जिले की प्रमुख प्रशासनिक इकाइयां जो होती हैं उनको आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ध्यान रखना बात की जाए नेक्स्ट की ग्रामीण सड़कें, इनके निर्माण रखरखाव का कार्य केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा किया जाता है। इनके द्वारा पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, प्रमुख कृषि उपज मंडियों को आपस में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। भारत में वर्तमान में लगभग 64 लाख किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग है। अगर भारत में टोटल सड़कों की लंबाई पूछी जाती है तो 64 लाख किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग हैं भारत के अंदर। बात की जाती है भारत में जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड का विकास मौर्य काल से ही जारी है, यानी इस जीटी रोड का जो निर्माण कार्य है वो मौर्य काल से ही क्या है, जारी है। ध्यान रखना बात की जाए नेक्स्ट पे जीटी रोड का विकास शेरशाह सूरी के काल में भी हुआ था, परंतु इसका जनक जेम्स ओकलैंड को माना जाता है। यानी जीटी रोड का जो विकास है वो शेरशाह सूरी के शासन काल में भी हुआ था, लेकिन इसका जो जनक माना जाता है वो जेम्स ओकलैंड को माना जाता है, ध्यान रखना। फिर ये डेटा इंपॉर्टेंट आपके लिए, सड़क नेटवर्क के मामले में भारत यूएसए के पश्चात दूसरे स्थान पर है। यानी सड़क नेटवर्क के मामले में जो विश्व में प्रथम स्थान है वो किसका है, यूएसए का है, सेकंड भारत का है और तीसरा चाइना का है, यानी तीसरा स्थान किसका है, चीन का है। भारत में सड़क परिवहन का 84% उपयोग होता है, यानी भारत के अंदर जो सड़क परिवहन है उसका उपयोग कितना परसेंट होता है, 84% होता है। और जो सड़क मार्ग से लगभग 65% माल आता जाता है, यानी सड़क मार्ग से लगभग 65% माल क्या है, आता और जाता है। जबकि क्या कह रहा है कि लगभग 80% यात्री सड़क मार्ग का उपयोग करते हैं, यानी 80% जो आपके टोटल यात्री है वो किस मार्ग का उपयोग करते हैं, सड़क मार्ग का उपयोग करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988, यानी आपसे पूछा जाता है कि अगर भारत के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम कब आया था, तो 1988 में आया था। इसी अधिनियम के तहत 1995 में एनएचएआई का गठन किया जाता है, और एनएचएआई बोले तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आपने पहले ही देख लिया है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ये आपने पहले ही देख लिया, ध्यान रखना। तो इसमें ज्यादा हमें और समय व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पे चलेगा, देखो वर्ष 1988 में मोटरयान अधिनियम पारित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि मोटरयान अधिनियम कब आया था, 1988 में आया था। और अगर बात की जाए कि भारत में प्रथम रोडवेज सेवा, तो 15 मई 1947 को शुरू की गई थी, यानी भारत में प्रथम जो रोडवेज सेवा है वो 15 मई 1947 को शुरू की गई थी, ध्यान रखना। और ये आजादी से पहले की बात कर रहा है, आजादी से पहले की बात कर रहा है। फिर बात की जाए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, अगर बात की जाए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की, तो यह भी कई बार पूछी जाती है। प्रत्येक गांव में इसका बोर्ड लगा हुआ होता है, लेकिन हम बोर्ड को नहीं, हम आने जाने वालों को देखते हैं कि रोड कैसी दिख रही है।
शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को। इसके अंतर्गत सामान्यतः वे गांव जिनकी आबादी 500 या 500 से अधिक है तथा मरुस्थलीय वे गांव जिनकी आबादी 250 या 250 से अधिक है उन्हें पक्की सड़कों के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। यानी सामान्यतः कोई भी ऐसा गांव जिसकी आबादी 500 या 500 से अधिक है और मरुस्थल के वे गांव जिनकी आबादी 250 या 250 से अधिक है उनको हम पक्की सड़कों के माध्यम से जोड़ सकते हैं। ऐसा किसका विकास का लक्ष्य है? ऐसा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास योजना का लक्ष्य है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करोगे बीआरओ, बोले तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1960 में। इसके द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण का कार्य किया जाता है तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में जो पड़ोसी देश होते हैं वहां पर भी सीमावर्ती क्षेत्रों में भी सड़कों का क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। वर्तमान में रक्षा मंत्रालय के अधीन है। इसके द्वारा वर्तमान में सबसे ऊंची सड़क का निर्माण लद्दाख के अंदर उमिंगला दर्रे में किया जा रहा है और उमिंगला दर्रे में जो किया जा रहा है वो 19,300 फीट की ऊंचाई पर है, ध्यान रखना 19,300 फीट की ऊंचाई पर है। और उमिंगला के बारे में मैंने आपको दर्रे वाली क्लास में पढ़ा रखा है, ध्यान रखना कि ये विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा है, चलाने योग्य दर्रा है, यानी विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा कौन सा है? वह आपके उमिंगला दर्रा है। कौन सा दर्रा है? उमिंगला दर्रा है, याद रखना है। फिर इस बीआरओ के द्वारा ही जो है ध्यान रखना कुछ और चीजें हैं जो हमसे पूछी जा सकती हैं। जैसे आप बात करोगे जम्मू के अंदर एक दर्रा है जिसका नाम है बनिहाल दर्रा। इस बनिहाल दर्रे के अंदर दो सुरंग विकसित की गई हैं। पहली सुरंग की अगर आप बात करोगे तो इसके अंदर है जवाहर सुरंग जहां से NH1A गुजरता था, लेकिन अब वर्तमान में कौन सा NH गुजरता है? 44, क्योंकि NH1A के स्थान पर हमने कौन सा NH विकसित कर दिया? NH44। अगर इसी दर्रे के अंदर सेकंड आप सुरंग की बात करोगे तो सेकंड सुरंग आती है यहां से चेनानी नासरी, सुना होगा चेनानी नासरी, जिसे हम वर्तमान में कहते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये एशिया की सबसे लंबी द्विदिशा वाली सुरंग है। सबसे लंबी द्विदिशा वाली सुरंग एशिया की सबसे लंबी द्विदिशा वाली सुरंग, इसकी कुल लंबाई क्या बात करोगे? किलोमीटर, यानी इसकी टोटल जो लंबाई की बात करोगे तो कितनी है? 9.28 किलोमीटर है, ध्यान रखना ये आपको इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। बात करें इसी पे नेक्स्ट पे, देखिएगा अब हमने क्या कर दिया कि जैसे हमने दिल्ली मेट्रो का काम फिनिश किया तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ गया कि हम जो है अब अंडरग्राउंड कोई भी काम कर सकते हैं। तो हम यहां इन सुरंग के अंदर लंबे लंबी सुरंग जो है यहां पर बना रहे हैं इन दर्रों के अंदर। और अगर बात की जाए अभी रिसेंटली भारत एक सुरंग पे और काम कर रहा है जिसका नाम है लद्दाख के अंदर जोजिला दर्रा है, और उस जोजिला दर्रे के अंदर जोजिला सुरंग बनाई जा रही है, जोजिला सुरंग बनाई जा रही है। और ये जोजिला जो सुरंग है ये 14.15 किलोमीटर लंबी होगी, ध्यान रखना 14.15 किलोमीटर लंबी होगी, और यह भी एशिया की द्विदिशा वाली सबसे लंबी सुरंग होगी, ध्यान रखना एशिया की सबसे लंबी द्विदिशा वाली सुरंग होगी। और इसके अलावा अगर आप बात करोगे इसी बीआरओ के द्वारा जो आपके अक्साई चीन वाला क्षेत्र है वहां पर है गलवान नदी घाटी क्षेत्र। इस गलवान नदी घाटी क्षेत्र में आप बात करोगे तो भारत ने क्या किया है कि शौक नदी के किनारे 255 किलोमीटर लंबी DSDBO रोड,
बोले तो दरबुक शौक दौलता बेग ऑल दी रोड का हमने क्या कर दिया है, निर्माण कर दिया है। तो अगर आपसे पूछा जाता कि बीआरओ के द्वारा हाल ही में गलवान नदी घाटी क्षेत्र में शौक नदी के सारे सारे जो रोड बनाई गई है उस रोड को किस नाम देना जाता है, डीएसडीबीओ रोड के नाम से, बोले तो दरबुक शौक दौलता बेग ओल्दी रोड। ये दरबुक स्टेट को जो है आपके दौलता बेग ओल्दी तक जो है कनेक्ट करने का काम करेगी। 255 किलोमीटर लंबी सड़क है और ये भी बीआरओ ने ही विकसित की है। तो बीआरओ जो है ये पर्वतीय क्षेत्रों में और सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के विकास पर क्या करता है, ध्यान देता है, रक्षा मंत्रालय के अधीन है, ध्यान रखना। बात करें इसी पे नेक्स्ट पे तो देखिएगा, नेक्स्ट आता है पीडब्ल्यूडी, बोले तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट लोक निर्माण विभाग। पीडब्ल्यूडी की जो स्थापना हुई थी वो 1854 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, यानी पीडब्ल्यूडी जो अस्तित्व में आएगा ये आपके 1854 में आएगा और ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ऐसा हुआ था, ध्यान रखना। यह जिला तथा ग्रामीण स्तर की सड़कों की देखरेख करता है, यह एनएचएआई के अधीन है, अभी आपने देखा था। इसके द्वारा वर्तमान में पीपीपी तथा बीओटी आधार पर सड़कों का विकास किया जा रहा है, अभी आपने देखा था कि जो मेन रूप से एनएच थे ये भी आपके बीओटी आधार पर और पीपीपी आधार पर इसी पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा देखे जा रहे थे। और ये पीडब्ल्यूडी किसके अधीन है, एनएचएआई के अधीन है, ध्यान रखना, किसके अधीन है, एनएचएआई के अधीन है। बात की जाए नेक्स्ट पे एनएचआईडीसीएल, एनएचआईडीसीएल बोले तो नेशनल हाईवे एंड इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, शुरुआत कब हुई थी इसकी, 2014 में, यानी एनएचआईडीसीएल की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी, 2014 में। फिर कुछ और डेटा आपको ध्यान रखना है, भारत में सबसे ज्यादा सड़कों का घनत्व केरल में है, भारत के अंदर आपसे पूछा जाए ऑल ओवर सबसे ज्यादा सड़क घनत्व कहां पर है, केरल के अंदर है, और सबसे कम सड़क घनत्व है पर्वतीय क्षेत्रों वाले स्टेट में मिलेगा, पर्वतीय स्टेट वाले क्षेत्रों में मिलेगा, और वहां पर मिलेगा आपके अरुणाचल प्रदेश में, यानी भारत के अंदर जो सबसे कम सड़क घनत्व दिखाई देता है वो कहां पर दिखाई देगा, अरुणाचल प्रदेश में। फिर क्या कह रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों की, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के मामले में देखो तो सर्वाधिक आपके महाराष्ट्र है, सेकंड नंबर पे यूपी है, तीसरा जो बड़ा राज्य है वो राजस्थान है, यानी राजस्थान राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में देश में तीसरे स्थान पर आता है, पहले स्थान पर आपके महाराष्ट्र है, क्योंकि वहां पर जनसंख्या का दबाव ज्यादा है, जितनी ज्यादा जनसंख्या का दबाव होगा उतना ही वहां पर वो चीजें ज्यादा विकसित करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पे सेकंड पे यूपी है, थर्ड पे राजस्थान है। बात की जाए भारत में सर्वाधिक सड़कें महाराष्ट्र में तथा न्यूनतम सड़कें सिक्किम में दिखाई देती हैं, तो भारत में सर्वाधिक सड़कें भी ऑल ओवर कहां पर हैं, महाराष्ट्र में है, और न्यूनतम सड़कें कहां पर हैं, सिक्किम के अंदर हैं। भारत में सड़कों से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं, इसमें देखिएगा राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने अपनी अलग से सड़क नीति घोषित की है, और कब आई थी, 1994 आपसे पूछा था, राजस्थान में सड़क नीति कब आई थी, 1994 में, और देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर आपने सड़क नीति घोषित की है। इसमें वर्ष 2002 में संशोधन भी किया गया था, यानी राज्य सड़क विकास नीति के अंदर जो है आपके 2002 के अंदर संशोधन भी किया जाता है, संशोधन करके राजस्थान राज्य सड़क विकास अधिनियम पारित कर लिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान राज्य सड़क विकास अधिनियम जो है वो आपके कब पारित किया गया था, 2002 में, और वह सड़क नीति में संशोधन करके, और संशोधन भी 2002 में, अब ये संशोधन हम इसलिए किया क्योंकि हम जो है यहां पर निजी निवेशकों को बढ़ावा देना चाह रहे थे, यानी आपके निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना चाह रहे थे, इस वजह से हमने ये जो है अधिनियम जो है पारित किया, और ये सड़क नीति के अंदर जो है संशोधन करके पारित किया गया, ध्यान रखना। बात की जाए भारतमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट आपकी स्थापना 31 जुलाई 2015, सेतु भारतम परियोजना की शुरुआत 4 मार्च 2016 को, प्रमुख उद्देश्य क्या है, सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से क्या करना है, मुक्त करना है 2024 तक, यानी सेतु भारतम परियोजना का उद्देश्य क्या है कि सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से क्या करना है, मुक्त करना है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में क्या इलाज के कमी लाई जा सके, ध्यान रखना। रेलवे क्रॉसिंग में होने वाली दुर्घटना एवं जानमाल की हानि को क्या करना है, कम करना है, क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग के अंदर भारत में सबसे ज्यादा जो है रेलवे क्रॉसिंग के दौरान दुर्घटनाएं देखी गई हैं, जानमाल का नुकसान होता है, तो उसको कम करना है उद्देश्य, ध्यान रखना, और ये सेतु भारतम परियोजना का उद्देश्य है। फिर क्या कह रहा है, गुजरात राज्य के भरूच जिले में वर्ष 2017 में नर्मदा नदी पर 4 लाइनों से युक्त एनएच सेतु का निर्माण किया गया। इसकी जो लंबाई है सेतु की वो 1.4 किलोमीटर है, इसकी चौड़ाई भी पूछी जाती है 20.8 किलोमीटर है, ध्यान रखना 20.8 मीटर है, यह सबसे लंबा केबल सेतु है। यह भाग अहमदाबाद मुंबई के अंतर्गत आता है, या तो एनएच 8 देगा
या 48 दे सकता है, या इसका एक खंड और है जिसका नाम है 58। पुराना नाम देगा तो एनएच 8 देगा, और नया नाम देगा या तो 48 या 58 देगा, ध्यान रखना। ये इसी खंड का भाग है, ये सेतु जो है इसी खंड का भाग है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, देखिएगा जल परिवहन। जल परिवहन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जल परिवहन के अंदर दो भाग आते हैं, एक तो आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक के अंदर जो है वो ध्यान रखिएगा, देखो अंतर्वर्ती या आंतरिक, ये जलमार्ग नदी नहर में तैयार किए जाते हैं। इनके विकास हेतु 1986 में अंतःस्थलीय जलमार्ग विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी, 1986 में की गई थी। और इसके अंदर आप बात करोगे तो एनडब्ल्यू विकसित किए जाते हैं। एनडब्ल्यू का मतलब होता है नेशनल वाटरवे, राष्ट्रीय जलमार्ग। भारत में संख्या 100 से अधिक है, लेकिन बेटा हमें 5 ही देखने हैं। पहला एनडब्ल्यू जो है यह जलमार्ग गंगा नदी पर हल्दिया पश्चिम बंगाल से प्रयागराज यूपी तक बनाया गया है। पहले वाला इंपॉर्टेंट है, यह गंगा नदी पर हल्दिया पश्चिम बंगाल से प्रयागराज उत्तर प्रदेश तक बनाया गया है। 1620 किलोमीटर की लंबाई रखी गई है। यह भारत का पहला 1986 में तथा सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, यानी यह भारत का पहला है और 1986 में विकसित किया गया था, और यह सबसे लंबा भी है, ध्यान रखना। तो भारत का सबसे लंबा और जो आपके पहला है वो पहले नंबर का, यह ध्यान रखना। NW2 यह ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से दुबरी के बीच बनाया गया है और 891 किलोमीटर है और असम राज्य में है, ध्यान रखना। असम राज्य में है, सादिया भी असम में है और दुबरी भी असम में, ध्यान रखना। बात की जाए इसी में अंदर नेक्स्ट में NW3, 4 और 5, तीन जो है ये कोट्टापुरम से कोल्लम के बीच केरल के अंदर है, ध्यान रखना। बात की जाए 4 की तो ये बंदरांचल राजमुंद्री आंध्र प्रदेश से पुडुचेरी के बीच 1095 किलोमीटर। NW2 की बात की जाए तो ये पश्चिम बंगाल में जियाने खली से लेकर पारादीप उड़ीसा तक बना हुआ है, 623 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भारत के टोटल 5 जो है राष्ट्रीय जलमार्ग आपको याद रखने, पूछ सकता है इनमें से कोई सा भी आपको ध्यान रखना, राज्य मार्ग पूछ सकता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बात की जाए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है भारत में खनिज संपदा को लेकर क्या क्या प्रश्न बनते हैं, उनको भी देखते हैं। भारत में खनिज, देखिएगा खनिज किसे कहते हैं कि भूपृष्ठ से खोदकर निकाले गए धात्विक अधात्विक पदार्थों को खनिज कहा जाता है। जिन स्थानों से खनिज प्राप्त किए जाते हैं उन्हें खान कहा जाता है, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब खनिजों में एक दृष्टि पूछता है कि जैसे भारत में खनिजों की कुल खाने कितनी है, 1319 खाने हैं। भारत में खनिजों की कुल खाने कितनी है, 1319 है। कुल खानों में सबसे अधिकांश जो खाने मिलेंगे वो एमपी के अंदर मिलेंगे, यानी टोटल जो खाने हैं उनमें जो अधिकांश खाने हैं वो कहां पर हैं, एमपी के अंदर हैं। बात की जाए सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे गुजरात है, थर्ड पे कर्नाटक है, फोर्थ पे उड़ीसा है, फिफ्थ नंबर पे आपके छत्तीसगढ़ है, और सिक्स नंबर पे आंध्र प्रदेश है, राजस्थान का सातवां स्थान है। यानी कुल खदानों के मामले में अगर आप देखोगे तो टॉप जो राज्य है वो कौन सा है, एमपी है, और राजस्थान का सातवां स्थान है, यानी टोटल खदानों की बात करोगे, ध्यान रखना। बात की जाए इसी में वर्ष 2021-22 के दौरान 19 राज्यों से खनिज उत्पादन की सूची मिली थी, जिनमें से लगभग 97.4% खनिज उत्पादन का थोक मूल्य 7 राज्यों तक सीमित था। यानी जो आपके टोटल खनिजों का जो थोक मूल्य था वो आपके 7 ही राज्यों तक सीमित रहा, उसमें सबसे ज्यादा उड़ीसा, सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़, थर्ड नंबर पे राजस्थान, और फोर्थ पे कौन रहा, कर्नाटक। फिर जिन राज्यों में खनिज उत्पादन में जो मूल्य है उसमें वृद्धि के संकेत देखे गए ना, यानी खनिज उत्पादन का जो मूल्य था उसमें वृद्धि के जो संकेत देखे गए ना, सबसे ज्यादा देखे गए थे उड़ीसा के अंदर, सेकंड नंबर पे झारखंड, थर्ड पे कर्नाटक, और फोर्थ पे छत्तीसगढ़। तो यहां पे ध्यान रखना है कि जो थोक मूल्य था उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है, उड़ीसा का, और सबसे ज्यादा संकेत देखे गए वो भी कहां पर देखे गए, उड़ीसा के अंदर देखे गए। राजस्थान थोक मूल्य में हमारे कौन सा स्थान पर रहा, तीसरे स्थान पर रहा, यह भी आपके ध्यान रखने योग्य डेटा है। बात की जाए राजस्थान में 19.02% खनिज उत्पादन मूल्य वृद्धि के संकेत देखे गए थे, यानी हमारे राजस्थान में खनिज उत्पादन मूल्य में जो वृद्धि के संकेत देखे गए वो कितना परसेंट देखे गए, 19.02% देखे गए हैं। कुछ राज्यों में खनिज उत्पादन के मूल्य में कमी भी देखी गई है, यानी कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें खनिज उत्पादन के मूल्य में क्या देखी गई, कमी देखी गई, उसमें इंपॉर्टेंट है आपके यूपी। गोवा में 100% तक कमी देखी गई है, ध्यान रखना, गोवा में 100% तक कमी देखी गई है, और यूपी के अंदर 24.62% कमी देखी गई है, ध्यान रखना।
बात की जाए विविधता की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, आपके प्रथम स्थान है, और इस कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। और राजस्थान में लगभग आप ध्यान रखना 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उनमें से 58 प्रकार के खनिजों का क्या हो रहा है, दोहन हो रहा है। ध्यान रखना देश में धात्विक अधात्विक ऊर्जा प्रमाणविक खनिजों का क्या होता है, उत्पादन होता है। यानी देश के अंदर आपको धात्विक खनिज मिलेंगे, अधात्विक मिलेंगे, ऊर्जा खनिज मिलेंगे और प्रमाणविक खनिज यहां से देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना बात की जाए भारत में जो है वर्तमान में 95 प्रकार के खनिजों का उत्पादन हो रहा है, ठीक है, सॉरी पाए जाते हैं। इनमें से 4 ईंधन है, 10 धात्विक हैं, 23 अधात्विक हैं, 3 परमाणु खनिज हैं, 55 प्रकार के गुण खनिज भारत में मिलते हैं। राजस्थान में 36 प्रधान खनिज हैं, यानी राजस्थान में जो टोटल प्रधान खनिज है वो कितने हैं, 36 है। बाकी गौण प्रकार के खनिज है, ध्यान रखना बाकी कैसे प्रकार खनिज है, गौण प्रकार के हैं, यानी इनमें मुख्य जो खनिज है वो कितने हैं, 36 है, जिनका उत्पादन हमारे यहां अच्छा हो रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। चलना बात की जाए धातुओं के जो खनिजों के वर्गीकरण की, तो खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। जिनमें धातु का अंश मिले वह धात्विक, जिनमें धातु का अंश नहीं मिले वह अधात्विक। धात्विक भी दो प्रकार के होते हैं, लोह और अलोह, यानी लोह और अलोह, जिनमें लोहे का अंश मिले वो लोह, इसमें लोह एस्क है, क्रोमियम है, कोबाल्ट है, निकिल है, मैग्नीज है, मैग्नेटाइट है, टंगस्टन है और टाइटेनियम है। अगर आप बात करोगे इधर तांबा है, सोना है, चांदी है, इसके साथ आप चांदी भी लिख सकते हैं, इसी में आप मैग्नीशियम है, सीसा जस्ता है, टिन है, पारा है, ये सारे किसमें आ जाएंगे, अलोह में आ जाएंगे। ध्यान रखना किसमें आ जाएंगे, अलोह में। फिर बात की जाए ऊर्जा खनिजों के, ऊर्जा खनिजों में देखो ईंधन खनिज आएंगे जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अगर आप बात करोगे इधर प्रमाणविक खनिजों की, यूरेनियम और थोरियम। बात करोगे यहीं पे आपके अधात्विक की, अधात्विक की, तो अधात्विक में देखिएगा आप यहां से ध्यान रख सकते हैं जिप्सम है, जिसे अपन हरसौंठ भी कहते हैं। बात की जाए यहीं पे आपके एक खनिज और रहेगा जिसकी बात की जाएगी, अब्रक। अब्रक को अपन कहेंगे माइका, ठीक है। बात की जाए यहां पर विभिन्न पत्थर वाले खनिज, विभिन्न पत्थर वाले खनिज, तो ये भी किसमें आ जाएंगे, अधात्विक में आ जाएंगे। ध्यान रखना किसमें आ जाएंगे, अधात्विक में आ जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देखिएगा इनमें हमारे जो सिलेबस में लगा हुआ मेन रूप से लोहा लगा हुआ है, तो लोहे की अगर बात की जाती है तो वर्तमान में लोहा एक छोटी से छोटी सुई से लेकर बड़ी से बड़ी मशीनरी तक बनाने में लोहे का उपयोग होता है। यानी वर्तमान में अगर आप एक छोटी से सुई से लेकर बड़ी से बड़ी मशीनरी तक बना रहे हो तो उसमें क्या काम में आएगा, लोहा काम में आएगा। यदि वर्तमान युग को लोह युग कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिस तरीके से लोहे की उपयोगिता बढ़ रही है, अगर वर्तमान में अपन इसको लोह युग भी कहें तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। वर्तमान में उद्योगों की रीढ़ की हड्डी लोह इस्पात उद्योग को माना जाता है, यानी जो वर्तमान में लोह इस्पात जो उद्योग है वो रीढ़ की हड्डी माना जाता है, उद्योगों की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, क्योंकि उद्योग को चलाने के लिए मशीनरी चाहिए और मशीनरी में क्या काम में आएगा, लोहा काम में आएगा। लोहा शुद्ध रूप में क्रोड वाले भाग में मिलता है जहां से इसका खनन किया जाना संभव नहीं है, यानी क्रोड वाला जो भाग है, ध्यान दीजिएगा ये पृथ्वी का ये वाला भाग, ये ऊपरी भाग कहलाएगा क्रस्ट, भूपरपट्टी, मेंटल और क्रोड। पृथ्वी की त्रिज्या आपको पता है 6371 किलोमीटर। अब इतनी गहराई में खनन किया जाना संभव नहीं है, तो इसलिए शुद्ध रूप में जो लोहा क्रोड वाले भाग में यहां मिल रहा है तो यहां से इसका खनन करना संभव नहीं है। मेंटल वाले भाग में निकल व फेरस के साथ भी मिलता है, ध्यान रखना मेंटल वाले अगर भाग में आप जाओगे तो निकल व फेरस के साथ ये लोहा मिल जाता है। बात की जाए क्रस्ट वाले भाग में लोहा अशुद्ध रूप में मिलता है, क्योंकि क्रस्ट वाला जो भाग है ना ये वाला है। अब यहां पे लोहा अशुद्ध रूप में मिलेगा, हमें प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहीं से खनन संभव है, यहां से नीचे से आप ज्यादा गहराई में भी आप खनन नहीं कर सकते, ध्यान रखना। अशुद्ध रूप मिलता है जिसे लोह एस कहा जाता है। अब लोहांश की मात्रा के आधार पर लोहा कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। यानी लोहे की मात्रा के आधार पर हम इसके कितने प्रकार बताएंगे, 4 प्रकार, मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है, सीडेराइट है। यानी ये लोहे के क्रम से प्रकार हैं। कई बार इनको लोहांश की मात्रा के आधार पर सही क्रम में लगवा लेता है, मैग्नेटाइट है,
एमेटाइट है, लिमोनाइट है और सीडेराइट है। ये आपसे कई बार पूछे जाते हैं, क्रम पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना घर पे क्रम ठीक करना ताकि परीक्षा में क्रम सही लग सके। बात की जाए मैग्नेटाइट की, तो मैग्नेटाइट जो है उच्च कोटि का लोहा होता है, लोहांश की मात्रा 70 से 75%, इसका रंग काला होता है, यानी मैग्नेटाइट का रंग कैसा होगा, काला होगा। हेमेटाइट लोहांश की मात्रा 60 से 65% तक, रंग इसका लाल कत्थई होता है, ध्यान रखना लाल कत्थई होता है, लाल कत्थई होता है। बात की जाए लिमोनाइट की, लोहांश की मात्रा 35 से 40%, रंग इसका थोड़ा पीला होता है और सर्वाधिक रानीगंज कोयला क्षेत्र से निकलता है। फिर एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, केंद्रमुख कर्नाटक से एमेटाइट व मैग्नेटाइट दोनों प्रकार का लोहा निकलता है, यानी केंद्रमुख की जो खान है कर्नाटक में, वहां से हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों प्रकार का लोहा क्या है, निकलेगा, ध्यान रखना। बात आती है सीडेराइट, लोहांश की मात्रा 10 से 20%। अब इतना कम लोहा मिल रहा है इसका मतलब एक घटिया किस्म का लोहा है, तो सबसे बढ़िया किस्म का जो लोहा है वो आपको ध्यान रखना है कौन सा था, मैग्नेटाइट था। मैग्नेटाइट सबसे बढ़िया किस्म का था और सबसे घटिया किस्म का कौन सा है, सीडेराइट है। बात की जाए इसी में देखिएगा, ये आपके लोहे के उत्पादक क्षेत्र आगे मैग्नेटाइट की अगर बात करोगे तो मैग्नेटाइट देखो जो जहां से मिलेगा ना, ये कर्नाटक है, ये कर्नाटक है, इस कर्नाटक से देखिएगा यहां पे ये धारवाड़, केमनगुंडी, चिकमंगलूर, इधर आप आओगे चित्रदुर्ग, बेल्लारी और यहीं पे आप लिख सकते हो केंद्रमुख, केंद्रमुख। बात की जाए यहां पे तो इसके अलावा सेलम है, तिरुचिरापल्ली है, सेलम है और तिरुचिरापल्ली है, ध्यान रखना, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तिरुचिरापल्ली और सेलम ये आपके कहां पर है, ये आपके तमिलनाडु के अंदर है, ये मैग्नेटाइट के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में से एक है, ध्यान रखना। बात की जाए हेमेटाइट के, हेमेटाइट जो लोहा है वो ध्यान देना, देखो यहां से बाबा बुदन की पहाड़ी चिकमंगलूर कर्नाटक से निकलता है। बात की जाए उड़ीसा के अंदर, तो उड़ीसा के अंदर मयूरभंज है, कटक है, क्योंझर है, सुंदरगढ़ है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। बात की जाए यहां पे झारखंड के अंदर, झारखंड के अंदर गुरु महिसानी है, सिंहभूमि है, रांची है और हजारीबाग है, पलामू है, हजारीबाग और पलामू। छत्तीसगढ़ की बात करोगे तो रायपुर है, दुर्ग है और बेलाडीला, ये बेलाडीला की खान कई बार पूछी जाती है। जयपुर, जयपुर के अंदर आपको पता है चोमू सामोद है, चोमू है, सामोद है, मोरिजा बानोल है, मोरिजा बानोल है, ठीक है। बात करोगे यहां पे उदयपुर की, उदयपुर के अंदर भी खाने कई बार पूछी जाती हैं। उदयपुर की अगर आप बात करोगे तो उदयपुर के अंदर देखिएगा, एक तो है थूर हुंडेर, एक है नाथरा की पाल, दोसा के अंदर नीमला रायशिला, हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़ फेमस है, हरियाणा के अंदर कौन सा फेमस है, महेंद्रगढ़ फेमस है, ध्यान रखना। बात की जाए लिमोनाइट किस्म का, तो एक तो अरावली क्षेत्र है और इसके अलावा गढ़वाल क्षेत्र ये उत्तराखंड के अंदर है और मिर्जापुर पहाड़ी भाग यूपी के अंदर है और रानीगंज पश्चिमी बंगाल के अंदर है। रानीगंज कहां पर है, पश्चिमी बंगाल के अंदर है, तो ये लोहे के उत्पादक क्षेत्र है, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देख के जाइएगा। एक बार मैं वापस इसको चित्रों को वापस कर रहा हूं, इनके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा ताकि आपको परीक्षा में याद हो जाए, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, मैग्नेटाइट का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं हेमेटाइट, हेमेटाइट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार ताकि आगे चलें, आप लिमोनाइट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आगे चलें। अब बात आती है मैग्नीज और बॉक्साइट की, मैग्नीज और बॉक्साइट की, तो मैग्नीज और बॉक्साइट के मैं क्षेत्र आपको दिखा देता हूं, देखिएगा ये मैग्नीज के क्षेत्र, ध्यान रखिएगा भारत के अंदर मैग्नीज के क्षेत्र की आप बात करोगे तो नागपुर है, भंडारा है, नागपुर और भंडारा महाराष्ट्र के अंदर है और इसके अलावा रत्नागिरी ये भी महाराष्ट्र के अंदर है, चित्रदुर्ग और शिमोग कर्नाटक के अंदर है, विशाखापट्टनम और कुडप्पा आंध्र प्रदेश में है, सुंदरगढ़, संबलपुर, कोरापुट, कालाहांडी, ये कालाहांडी तो सीधा पूछा जाता है, ध्यान रखना कालाहांडी है, कोरापुट है, संबलपुर है, सुंदरगढ़ है और ये इसके अलावा कुडप्पा विशाखापट्टनम, कुडप्पा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, जबकि ये चार जो मैंने आपको बताए हैं ये उड़ीसा के अंदर है। बात की जाए मध्य प्रदेश के अंदर तो बालाघाट और छिंदवाड़ा, बालाघाट और छिंदवाड़ा ये मध्य प्रदेश में मैग्नीज के प्रमुख क्षेत्र हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। बात की जाए बॉक्साइट की,
बॉक्साइट के अंदर जो एमपी के अंदर है बालाघाट क्षेत्र है और कटनी एमपी के अंदर है, जबलपुर एमपी के अंदर है, बात की जाए यहां से छत्तीसगढ़ अमरकंटक है, दुर्ग है और रायगढ़ है, अमरकंटक दुर्ग और रायगढ़ यहां से किसके अंतर्गत आएंगे, ये आएंगे छत्तीसगढ़ के अंदर। बात की जाए झारखंड की पलामू है, दुमका है, रांची है, बात की जाए उड़ीसा की कालाहांडी है, सुंदरगढ़ है, कोरापुट है और बेलनागिरी है, बेलागिरी। एक बार इस बॉक्साइट के भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि हम आगे चलें। देखिएगा समय इतना नहीं है बेटा कि हम इनको बहुत स्मरण के साथ कर सकें, आप इतना समय आप यहां पे दिया जा रहा है कि यहां से आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके इनके याद करके चले जा सकते हैं। अब परीक्षा के महज 3 से 4 दिन बचे हुए, जो एक मान के चलिए हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है, जो जितना इसके अंदर रिवाइज करके चला जाएगा उसके लिए अच्छा रहेगा, ध्यान रखना। बात की जाती है अदरक की, विश्व की 80% अदरक की खाने भारत में है, राजस्थान तथा झारखंड देश के अग्रणी अदरक के अग्रणी उत्पादक राज्य हैं, अदरक से ईंट बनाने के कारखाने भीलवाड़ा तथा धनबाद झारखंड में हैं, राजस्थान में भीलवाड़ा जिले को अदरक सिटी कहा जाता है और इसके निकलने में ज्यादा खर्च आता है, प्रोडक्शन ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं लेकिन उत्पादन का उतना मूल्य नहीं मिल पाता, इसलिए इसे खनिजों का बीमार बच्चा भी कह दिया जाता है। खनिजों का बीमार बच्चा किसे कहते हैं, अदरक को कहते हैं, अदरक को कहते हैं क्योंकि मिल सब ज्यादा रहा है लेकिन मार्केट में इसकी वैल्यू नहीं है, कम है, ध्यान रखना। ये अदरक के उत्पादक क्षेत्र हैं। आप बात करोगे एमपी के अंदर कटनी है, जबलपुर है और बालाघाट है, उदयपुर के अंदर और भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर देखिएगा दंताभूषण है और टुंका बनेड़ा है। बात की जाए सिंहभूमि झारखंड के अंदर है, रांची झारखंड के अंदर है, पलामू झारखंड के अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर नेल्लोर है और कुडप्पा है, आंध्र प्रदेश के अंदर नेल्लोर और कुडप्पा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आगे चलें ताकि। देखिएगा प्रमुख खनिज नीतियां, अगर भारत की प्रमुख खनिज नीतियों की बात करोगे तो प्रथम खनिज नीति कब आई थी, 1993 के अंदर, भारत में प्रथम खनिज नीति कब आई थी, 1993 के अंदर, राजस्थान में 1978 में आई थी, राजस्थान में नवीनतम खनिज नीति 4 जून 2015 को आई थी, भारत की नवीनतम खनिज नीति 2019, यानी भारत की जो नवीनतम खनिज नीति कब आई 2019 में, और इसे 28 फरवरी 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 को मंजूरी दे दी गई थी, यानी भारत की जो नवीनतम खनिज नीति है वो कब आ रही है, 28 फरवरी 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसे मंजूरी प्रदान की जाती है। इसने राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 का स्थान लिया, यानी 2019 वाली जो खनिज नीति आई थी इससे पहले खनिज नीति कब आई थी 2008 में, तो इसने 2008 वाली खनिज नीति का क्या लिया है, स्थान लिया है, ध्यान रखना। बात की जाए नेक्स्ट पे, इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं, खनन संस्थाओं के अधिग्रहण तथा विलयन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, यानी जो खनन संस्थाएं आपके कमजोर पड़ रही है या उनका जो आपके नुकसान हो रहा है तो उनका अधिग्रहण भी किया जा सकता है सरकार के द्वारा, या किन्हीं दो को विलय भी किया जा सकता है, ध्यान रखना। निजी क्षेत्र के खनन क्षेत्रों को बढ़ावा देना चाहिए, यानी निजी क्षेत्र के जितने भी खनन क्षेत्र हैं उनको बढ़ावा देने के लिए खनिजों के जो पट्टे हैं उनका अंतरण और समर्पित खनिज मार्गों का निर्माण करना चाहिए, इसके अंतर्गत नीलामी प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने के लिए पूर्व निहित मंजूरियों के साथ खनिज ब्लॉकों की नीलामी का प्रस्ताव होना चाहिए, ध्यान रखना, खनिज ब्लॉकों की नीलामी का क्या होना चाहिए, प्रस्ताव होना चाहिए। बात की जाए निजी क्षेत्र की मदद करने के लिए विश्व मानदंड के साथ कर व रॉयल्टी के सामंजस्य के प्रयास करने चाहिए, यानी उनको प्रयास करके अमल में भी लाना चाहिए, और विजन के अनुसार राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 को मेक इन इंडिया की पहल और लैंगिक संवेदनशीलता पर ध्यान देना चाहिए, यानी ये लैंगिक संवेदनशीलता पर क्या देती है, ध्यान भी देती है, ध्यान रखना, और इसमें मेक इन इंडिया की पहल पर भी ध्यान दिया गया है, ध्यान रखना। बात आता है नेक्स्ट, भारत में अवैध खनन को नियंत्रित करने के लिए किए गए प्रयास, अब इसके लिए हमने जो है आपके MMDR एक्ट 1957 बना रखा है, MMDR एक्ट का मतलब होता है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, इसके तहत राज्य सरकारों को अवैध खनन रोकने के लिए, अवैध खनन रोकने के लिए नियम बनाने का प्रावधान प्रदान किया गया है, यानी राज्य सरकार भी जो है अपने यहां पर अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाकर प्रावधान कर सकती है उसमें अवैध खनन को रोकने के लिए। यह प्रावधान MMDR एक्ट 1957 की धारा 23 ग के तहत किया गया है, यानी अब राज्य भी जो है इसके तहत कानून बना सकता है अवैध खनन को रोकने के लिए।
अवैध खनन की रोकथाम के लिए एक त्रिस्तरीय रणनीति के तहत टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, यानी त्रिस्तरीय रणनीति के तहत एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा किसके लिए, अवैध खनन रोकने के लिए। यह भी बात किसमें की गई है, एमएमडीआर एक्ट 1957 के अंदर की गई है, ध्यान रखना। राज्य स्तरीय टास्क फोर्स इसके लिए 22 राज्य राजस्थान सहित नामित किए गए हैं। इसके द्वारा संबंधित क्षेत्राधिकार में अवैध खनन की गतिविधियों को रोकने के लिए की गई कार्रवाई की समीक्षा करता है। अवैध खनन तिमाही रिटर्न प्राप्ति की प्रक्रिया, इसके अंतर्गत अवैध खनन की रोकथाम हेतु कार्रवाई की संपूर्ण जानकारी सूचना राज्य सरकारों से प्राप्त आईबीएम केंद्रीय मंत्रालय को भेजता है। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है, चलेगा। यहां तक आपने देख लिया था, उसके बाद देखिएगा, अवैध खनन को रोकने के लिए एमएमडीआर के तहत सख्त एवं कठोर कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है। इसमें कारावास की समय अवधि तथा जुर्माना राशि में बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है। जैसे अभी राजस्थान के अंदर अगर आप अवैध खनन करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको जो है 2 साल की जगह 5 वर्ष का कारावास और 25,000 रुपए से बढ़ाकर जुर्माना राशि 5,00,000 रुपए कर दी गई है। इसी में नेक्स्ट है, अवैध खनन को रोकने हेतु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए गए प्रावधान। अब अंतरिक्ष क्षेत्र की प्रौद्योगिकी में क्या प्रयास किए गए हैं, आईबीएम ने राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद की सहायता से 2 स्थानों पर, एक तो नागपुर और एक हैदराबाद में, 2 GIS बोले तो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम तथा रिमोट सेंसिंग सेंटर प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। तो यानी जो आपके राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद और आईबीएम ने जो है 2 स्थानों पर जो है आपके प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं, उनमें देखा जाए तो पहली है नागपुर में और दूसरी है महाराष्ट्र के अंदर। जीपीएस तथा रिमोट सेंसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खनन गतिविधियों पर निगरानी करने के लिए ये दोनों प्रयोगशालाएं पूर्ण रूप से क्या है, सुसज्जित है। यानी ये दोनों प्रयोगशालाएं जो पूर्ण रूप से सुसज्जित है, ध्यान रखना, जो आपके अवैध रूप से जो आपके खनन गतिविधियां हो रही हैं और इसके अलावा जो आपके खनन गतिविधियां हैं उन पर निगरानी के लिए ये जो संस्थाएं हैं, ये प्रयोगशालाएं जो हैं, ये कार्यरत हैं, ध्यान रखना, ठीक है। एमएमडीआर एक्ट में किए गए संसाधनों का यहां विवरण दिया गया है। अब इसमें ज्यादा आपको ध्यान रखना है, आपको एमएमडीआर एक्ट 2021 में जो संशोधन किए गए हैं उसको ध्यान रखना है। यानी अंतिम बार जो एमएमडीआर एक्ट में संशोधन किया गया है वो कब किया गया है, 2021 में, आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या प्रावधान किए गए, ध्यान रखना, देखिएगा, इसके उद्देश्य खनन क्षेत्रों की पूर्व क्षमता का दोहन किया जाना चाहिए, यानी पूर्ण क्षमता का दोहन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, खानों के उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए, खनिज संसाधनों की खोज और नीलामी को बढ़ावा देना चाहिए, कोयला क्षेत्रों में रोजगार और निवेश को बढ़ावा देना चाहिए, लंबे समय से लंबित मुद्दों को हल किया जाना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा विकास को धीमिया किया जाता है। यानी जो लंबे समय से लंबित मुद्दे हैं उनको हल किया जाना चाहिए, क्योंकि इनसे क्या होता है कि जो विकास होता है वो धीमा पड़ जाता है, वो धीमा पड़ जाता है। ऐसा एमएमडीआर एक्ट 2021 में संशोधन के उद्देश्य रखे गए हैं। बात आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है ऊर्जा संसाधन एवं ऊर्जा खनिज। देखिएगा, हमने फसलें देख ली, परिवहन देख लिया, खनिज देख लिए, उसके बाद हम बारी आती है किसकी, ऊर्जा संसाधनों की। उसमें देखिएगा, ऊर्जा के 2 प्रकार के संसाधन है, परंपरागत है और गैर परंपरागत है। परंपरागत यानी वे ऊर्जा संसाधन जो विरासत से प्राप्त हुए हैं, ये अनवेकरणीय संसाधन है। अब अनवेकरणीय संसाधन क्यों है, क्योंकि इनका एक ही बार उपयोग किया जा सकता है, दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका एक ही बार उपयोग होता है, दोबारा नहीं किया जा सकता है। ये प्रकृति में समाप्य है, यानी इनका भंडारण क्या है, सीमित है, ये समाप्य है, ध्यान रखना, प्रकृति के अंदर। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत ध्यान रखना, ये भी आपके परंपरागत में आता है, लेकिन ये नवीकरणीय संसाधन है, ध्यान रखना, नवीकरणीय संसाधन है, ध्यान रखना। फिर बात आती है गैर परंपरागत की। गैर परंपरागत यानी वे ऊर्जा संसाधन जो आधुनिक मानव ने अपनी क्षमताओं के अनुसार प्रकृति के सहयोग से निर्मित किए हैं। यानी गैर परंपरागत में क्या किया है कि मानव ने जो है ऊर्जा संसाधन आधुनिक मानव ने अपनी क्षमताओं के अनुसार प्रकृति के सहयोग से क्या किए हैं, विकसित किए हैं, उन्हें हम गैर परंपरागत में शामिल करेंगे, और जो हमें परंपरा में यानी विरासत से मिले हैं उनको हम करेंगे परंपरागत संसाधनों में। अब गैर परंपरागत की विशेषता क्या है, ये नवीकरणीय साधन है, अर्थात इनका बार बार उपयोग किया जा सकता है, ये प्रकृति में असमाप्य है, अर्थात इनका भंडारण असीमित है, इनका हम एक बार से अधिक बार भी उपयोग कर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें सौर ऊर्जा आपके आ जाएगा, पवन ऊर्जा आ जाएगा, ज्वारी ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, कोयला इसके अंतर्गत नहीं आएगा, ध्यान रखना, भूतापीय ऊर्जा इसके अंतर्गत आ जाएगा, ध्यान रखना। अब देखिएगा, इसमें सबसे पहले आता है कोयला। अब कोयला आपने देखा था गैर नवीनीकरण संसाधनों में था, ध्यान रखना, ये अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। यानी कोयला जो है वो किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है, अवसादी चट्टानों का।
अवसादी चट्टानों में जीवाश्मों की अधिकता होती है, बिल्कुल सही बात है, यानी जो आपके कोयला होता है उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म के उदाहरण क्या बात करोगे तो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सब जीवाश्म उदाहरण है इसके, ठीक है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले के चार प्रकार है, यानी कार्बन की मात्रा के आधार पर हम कोयले कितने प्रकार बता सकते हैं, चार प्रकार, यानी कार्बन की उपलब्ध मात्रा के आधार पर कोयले कितने प्रकार होते हैं, चार प्रकार होते हैं। ध्यान रखना, बात की जाए एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट, यानी कोयले के चार प्रकार हैं, एंथ्रेसाइट है, बिटुमिन्स है, लिग्नाइट है और पीट है। अगर आप बात करोगे एंथ्रेसाइट, उच्च कोटि का कोयला होता है, कार्बन की मात्रा 90 से 95%, अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करता है, जलाने पर धुआं कम निकलता है, नमी की मात्रा सबसे कम 3% होती है, भारत में सबसे कम भंडार है, इसके सर्वाधिक भंडार जम्मू कश्मीर में है, यानी एंथ्रेसाइट किस्म का जो कोयला है सर्वोच्च कोटि का है, सबसे ज्यादा झारखंड के अंदर, सॉरी आपके जम्मू कश्मीर के अंदर है, 90 से 95% इसमें कार्बन की मात्रा होती है, ध्यान रखना। बिटुमिन्स कार्बन की मात्रा 70 से 75%, भारत में सर्वाधिक इसी प्रकार के कोयले के भंडार हैं, सर्वाधिक इसके झारखंड में दिखाई देते हैं, यानी इसके सर्वाधिक भंडार कहां पर हैं, झारखंड के अंदर हैं। फिर आप बात करोगे लिग्नाइट, कार्बन की मात्रा 50 से 55%, इसका रंग भूरा होता है, कई बार पूछा जाता है, नमी की मात्रा सर्वाधिक होती है, भंडार सर्वाधिक कहां पर है, तमिलनाडु में, यानी लिग्नाइट किस्म का कोयला जो सबसे ज्यादा निकलता है कहां से निकलता है, तमिलनाडु से। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में जो आपके सर्वाधिक लिग्नाइट के भंडार है कहां पर है, तमिलनाडु में, लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक किस प्रकार का कोयला है, तो राजस्थान में लिग्नाइट किस्म का कोयला सबसे ज्यादा उत्पादित होता है, ध्यान रखना। बात की जाए पीट, पीट सबसे घटिया किस्म का कोयला है, कार्बन की मात्रा 30 से 35% तक होती है, इसे जलाने पर राख एवं धुआं अधिक उत्पन्न करता है, जबकि ये वाला जो है ये जलाने पर धुआं कम निकाल रहा था और आपके ऊर्जा ज्यादा प्रदान कर रहा था, उसे जलाने पर धुआं ज्यादा निकलता है, राख ज्यादा निकलता है, ऊर्जा कम देगा। भारत में सर्वाधिक गोंडवाना लैंड क्रम का कोयला पाया जाता है, 98% गोंडवाना लैंड क्रम का चट्टानों का कोयला है, 2% औषादी क्रम का जो है आपके कोयला पाया जाता है, ध्यान रखना 2% औषादी क्रम का है, 98% जो है आपके गोंडवाना क्रम का जो है आपके कोयला मिलता है भारत के अंदर, ध्यान रखना। भारत में कोयले के प्रमुख क्षेत्र, भारत में कोयले का सबसे पहला उत्पादन जो हुआ था, आपके उत्खनन जो हुआ था 1744 में रानीगंज पश्चिम बंगाल से किया गया था, यानी भारत में कोयले का सबसे पहले उत्पादन कहां से शुरू हुआ था, वो आपके 1744 में रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल से। बात आती है झारखंड की, झारखंड जो है ये कोयले के उत्पादक राज्यों में जो है प्रथम पोजीशन पर है, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र इसका प्रमुख क्षेत्र है, उपनाम इसे भारत का रोहर प्रदेश कहते हैं, कोयले के भंडारण की अधिकता के कारण, यानी कोयले के भंडारण की अधिकता के कारण जो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र है उसे भारत का रोहर प्रदेश कहा जाता है, और जो दामोदर नदी है वो भारत की कोयला नदी कहलाती है, कोयला नदी कहलाती है। यह भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है और लगभग 29% कोयले का यहां से उत्पादन होता है, यानी जो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र है ये कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, यहां पर झरिया बोकारो गिरहिड क्षेत्र कोयले के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। कई बार पूछा जाता है झरिया बोकारो गिरहिड किसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, कोयले के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, ध्यान रखना, और यहां से 29% कोयले का क्या होता है, उत्पादन होता है, ध्यान रखना। बात की जाए नेक्स्ट पे उड़ीसा राज्य, अभी इनको मैं मानचित्र में भी आपको दिखाने वाला हूं, लगभग 24% कोयले के भंडार हैं, यानी उड़ीसा में लगभग कितने परसेंट कोयले के भंडार हैं, 24%। यहां पर महानदी घाटी क्षेत्र में कोयले के भंडार संचित हैं, प्रमुख क्षेत्र होंगे रामपुर और तलचर, ये उड़ीसा के प्रमुख क्षेत्र हैं, ध्यान रखना। बात की जाए छत्तीसगढ़ की, यह भारत में कोयले का तीसरा बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, यानी भंडारक क्षेत्र है, पहला दामोदर है, दूसरा महानदी उड़ीसा में है। छत्तीसगढ़ की बात करोगे यहां पर 17% कोयले के भंडार संचित हैं और प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, कोरबा है, प्रमुख क्षेत्र की बात की जाए तो कौन सा है, कोरबा है, ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश, इस बेल्ट के अंतर्गत गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र आता है, पांडूर क्षेत्र आंध्र प्रदेश और सिंगरौनी क्षेत्र तेलंगाना प्रमुख क्षेत्र है, ध्यान रखना। महाराष्ट्र में कोयले के जो क्षेत्र मिलेंगे चांदा वर्धा कामठी बांदेर है, मध्य प्रदेश के अंदर सिंगरौली क्षेत्र है, गुजरात के अंदर वडोदरा है, कच्छ है और भरूच है, जम्मू व कश्मीर के अंदर निकाहामा क्षेत्र है और यहां पर एंथ्रेसाइट किस्म का कोयला निकलता है, ध्यान रखना, एंथ्रेसाइट किस्म का कोयला निकलता है। राजस्थान की आप बात करोगे तो राजस्थान के अंदर बाड़मेर है, कपूरड़ी, जालीपा, भादरेस और गिरल, ये भादरेस इसको कर लीजिएगा, भादरेस है और गिरल है। बीकानेर के अंदर पलाना है, बरसिंगसर है, हरकासर है। अगर आप बात करोगे नागौर की तो नागौर के अंदर देखिएगा
ध्यान देना, नागौर के अंदर आप बात करोगे तो नागौर के अंदर मेड़ता सिटी है, माता सुख है, कसनाऊ है, इग्यार है। यानी नागौर के अंदर आप बात करोगे तो माता सुख है, मेड़ता सिटी है, कसनाऊ है और इग्यार है। ये कोयले के प्रमुख उत्पादक क्या है, क्षेत्र है। फिर यहीं पर ध्यान रखना है, पलाना बीकानेर से लिग्नाइट किस्म के कोयले की विश्व प्रसिद्ध किस्म निकलती है। यानी लिग्नाइट किस्म का जो आपके लिग्नाइट की सर्वप्रसिद्ध किस्म निकलती है, जो विश्व प्रसिद्ध किस्म निकलती है, वो कहां से निकलती है, पलाना बीकानेर से निकलती है, ध्यान रखना। कोयले के अन्य उत्पादक क्षेत्रों में आप बात करोगे तो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र और उसमें असम के दो क्षेत्र हैं, जजी क्षेत्र है और नजीरा क्षेत्र है। जजी क्षेत्र है और नजीरा क्षेत्र है कोयले के प्रमुख अन्य उत्पादक क्षेत्रों में आते हैं, ध्यान रखना। जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्रों में, यानी भारत के अंदर अधिकांश कोयला जो मिल रहा है वो नदी घाटी क्षेत्रों में मिल रहा है। जैसे आपने दामोदर नदी घाटी क्षेत्र देखा, आपने महानदी घाटी क्षेत्र देखा और अभी आपने देखा कौन सा, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र। ये देखिए, ये भारत के अंदर कोयले के प्रमुख क्षेत्र है। एक बार इनको वापस रिवाइज कर लेते हैं, देखिएगा, राजस्थान में बाड़मेर बीकानेर है, नागौर है, वडोदरा गुजरात के अंदर है, सिंगरौली एमपी के अंदर है, चांदा वर्धा कामटी और बांदेर महाराष्ट्र के अंदर है, पांडूर ये आपके आंध्र प्रदेश में है, सिंगरेनी ये आपके तेलंगाना के अंदर है, छत्तीसगढ़ के अंदर कोरबा है, उड़ीसा के अंदर तलचर है, रामपुर है, पश्चिम बंगाल के अंदर दार्जिलिंग, रानीगंज और असम के अंदर नजीरा और जज्जी है, झारखंड के अंदर बोकारो और जरिया है, जम्मू के अंदर निकाहामा क्षेत्र है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। ये कोयले के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है भारत के अंदर। चलिएगा, अब बात करते हैं पेट्रोलियम की। ये ऊर्जा संसाधनों में एकमात्र ऐसा संसाधन है जो आर्थिक विकास को तीव्र गति से विकसित करने के लिए अति आवश्यक संसाधन है। वो इसलिए है क्योंकि आज जितना भी आप देख रहे हो, सबसे ज्यादा जो वाहनों के अंदर फ्यूल के रूप में काम में आ रहा है वो पेट्रोल आ रहा है। ऊर्जा संसाधनों में जो सबसे ज्यादा वाहनों के अंदर काम में आ रहा है, कौन आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है। तो ये अन्य बात करें ऊर्जा संसाधनों में, तो एकमात्र ऐसा संसाधन है जो आर्थिक विकास को तीव्र गति से विकसित करने के लिए क्या है, बहुत आवश्यक संसाधन है, ध्यान रखना। भारत में सबसे पहले तेल की खोज असम राज्य के मंगारिया क्षेत्र में 1860 में की गई थी। यानी भारत के अंदर जो सबसे पहले तेल की जो खोज की गई थी वो मंगारिया क्षेत्र में की गई थी, परंतु उत्पादन सबसे पहले 1953 में दिग्बोई क्षेत्र असम से हुआ था। यानी भारत में सबसे पहले तेल खोज का जो कार्य किया गया था वो असम में, और असम के अंदर मंगारिया क्षेत्र है 1860 के अंदर, लेकिन उत्पादन जो शुरू करता है वो डिगबोई क्षेत्र करता है असम का, और वह कब करता है, 1953 में। फिर क्या कह रहा है, भारत में पेट्रोलियम की खोज एवं अन्वेषण का कार्य काफी धीमी गति से शुरू हुआ। स्टार्टिंग में धीमी गति से शुरू हो रहा है क्योंकि मिल 1860 में गया, हम 1953 में जाकर इसे निकाल रहे हैं, ठीक है। बात आती है, भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय, विदेशी तथा अनेक निजी कंपनियां तेल खोज एवं अन्वेषण का कार्य कर रही। कुछ भारत के अंदर भारत की कंपनियां हैं, जैसे ONGC है, IOCL है, ठीक है। इसके अलावा कुछ विदेशी कंपनियां हैं, जो भी यहां पर काम कर रही हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा वेनेजुएला की PDVSA कंपनी, वेनेजुएला की कंपनी, ध्यान रखना, ठीक है। भारत में पेट्रोलियम भंडार के चार क्षेत्र दिखाई देते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र, गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र और पूर्वी तटीय क्षेत्र। बात की जाए इनको मानचित्र के अकॉर्डिंग आप देखो तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा भारत का मानचित्र, ये पूरा का पूरा जो रेंज आपको दिख रहा है, ये वाला, ये पूरा का पूरा जो रेंज है ये हम शामिल करेंगे किसमें, गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र, जिसमें हमने राजस्थान वाला भाग भी आ जाएगा। सेकेंड बात करोगे आप यहां पे तो ये पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, ये वाला पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, ये पूर्वी तटीय क्षेत्र, और यहां पर ये ब्रह्मपुत्र नदी घाटी वाला क्षेत्र, तो ये भारत में पेट्रोलियम भंडार के चार प्रमुख क्षेत्र हो गए, ब्रह्मपुत्र हो गया, गुजरात हो गया, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, क्योंकि कुछ भाग यहां पर इसे मुंबई हाई तेल क्षेत्र जो है ये समुद्री भाग में आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा पूर्वी तटीय क्षेत्र, इसके अंदर ये पूरा पूरा पोर्शन जिसमें गोदावरी नदी घाटी वाला क्षेत्र भी आ गया, इसके अलावा कृष्णा नदी बेसिन भी आ गया, ध्यान रखना, ठीक है। बात आती है नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र, भारत में सबसे पहले तेल की खोज एवं उत्पादन यहीं से शुरू हुआ था।
क्योंकि आपने देखा था मंगारिया क्षेत्र में सबसे पहले तेल खोज का काम किया गया, फिर उसके बाद में हमने यहां से असम से ही जो है डिगबोई से तेल का उत्पादन शुरू किया। इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र डिगबोई है, शिवसागर है, नाहरकटिया है और मोरान क्षेत्र है। ये असम के प्रमुख क्षेत्र है दानकना। पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत यहां पर पेट्रोलियम के प्रचुर भंडार हैं। इस क्षेत्र में 65% तक, यानी इस क्षेत्र का जो है पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र का योगदान है वो कितना परसेंट तक है, 65% तक है, ध्यान रखना। बात आती है नेक्स्ट पे, इस क्षेत्र के अंतर्गत मुंबई हाई क्षेत्र खोज, ध्यान रखना इसकी खोज 1936 में, यहां पे खोज की अगर बात करें तो 1936 में, उत्पादन जो है उत्पादन 1973 से शुरू हुआ था। उत्पादन कब से शुरू हुआ था, 1973 में। सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है भारत में, तेल उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र पूछा जाए तो मुंबई हाई 40%, सेकंड नंबर पे आपका राजस्थान 20%, ध्यान रखना। वसीन तेल क्षेत्र, यहां पर तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडार है, ध्यान रखना। वसीन तेल क्षेत्र में आपको तेल और प्राकृतिक गैस दोनों के भंडार क्षेत्र दिखाई देंगे, ध्यान रखना। 1973 में, उसी समय की बात कर रहा है, 1973 में भारत में गहन ऊर्जा संकट पैदा हो गया था, क्योंकि जो तेल निर्यातक देश थे उन्होंने अकस्मात तेल की कीमतों में 4 गुना तक वृद्धि कर दी। यानी उस समय भारत के अंदर ऊर्जा संकट इसलिए आ गया था क्योंकि जो तेल निर्यातक देश थे, जो खाड़ी, उसे खाड़ी संकट भी कहा जाता है, तो उन्होंने क्या किया कि अपने यहां पर तेल कीमतें जो थी ना उनमें अकस्मात वृद्धि कर दी और 4 गुना तक वृद्धि कर दी, तो उस समय भारत के अंदर ऊर्जा संकट पैदा हो गया था। गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। यानी गुजरात का जो तटवर्ती क्षेत्र है यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्या है, क्षेत्र है, ध्यान रखना। इसके अंतर्गत आएंगे क्षेत्र अंकलेश्वर, हजीरा, कलोल, कोयली, ये गुजरात के अंदर है। राजस्थान के अंदर बाड़मेर है, बीकानेर है, जैसलमेर है। बाड़मेर के अंदर गुडामलानी, नगाना, कोशलू। बीकानेर के अंदर त्वरिताला, जिसे पूनम तेल का कुआ भी कहते हैं, ध्यान रखना। अगर आप जैसलमेर के अंदर करो बात करोगे तो बाघेवाला है, साधेवाला, चिन्नेवाला और तनोट। एक नोट यहां पे लिखा हुआ है कि राजस्थान में तेल के कुओं के क्रमांक, अब देखो राजस्थान में तेल के जो क्रमांक शुरू होते हैं ना वो आरजे ओन से शुरू होते हैं, ध्यान रखना। तेल के कुओं के क्रमांक जो हैं वो आरजे ओन से शुरू होते हैं, जैसे आरजे ओन 1/89, आरजे ओन N/M/N, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, राजस्थान में सबसे पहले पेट्रोलियम उत्पादन, देखो मैं इसका थोड़ा सा कम जूम कर देता हूं एक बार ताकि ये थोड़ा सा आपको दिख जाए, यहां पे ध्यान देना। राजस्थान में सबसे पहले पेट्रोलियम उत्पादन 29 अगस्त 2009 को मंगला तेल क्षेत्र से शुरू किया गया था। यानी राजस्थान के अंदर अगर आपसे पूछा जाता है कि कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम का सबसे पहले उत्पादन कहां से शुरू हुआ था, तो मंगला तेल क्षेत्र से शुरू हुआ था। और कब हुआ था, 29 अगस्त 2009 को। यह भी आपसे डेटा कई बार पूछा जाता है। बात की जाए राजस्थान में प्राकृतिक गैस, तो प्राकृतिक गैस के लिए जैसलमेर, रामगढ़, तनोट, डांडेवाला, घोटारू, गुमानेवाला। राजस्थान में सबसे पहले प्राकृतिक गैस का उत्पादन घोटारू से शुरू हुआ था, ध्यान रखना। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ये जो आपके तनोट क्षेत्र है यहां से पेट्रोलियम प्लस प्राकृतिक गैस दोनों निकलते हैं, ध्यान रखना, प्लस प्राकृतिक गैस दोनों निकलते हैं। पूर्वी तटीय क्षेत्र, इसके अंदर कृष्णा गोदावरी बेसिन आता है। पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन बॉम्बे हाई से किया जाता है और 40% तक किया जा रहा है, ध्यान रखना। कितना परसेंट, 40%। अभी पीछे आपने डेटा देखा था ये 40% का, ठीक है। भारत में बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण पेट्रोलियम उत्पादों में खपत सबसे ज्यादा हो रही है। यानी भारत के अंदर जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पेट्रोलियम उत्पाद जो है उनकी खपत में भी जो है आपकी वृद्धि होती जा रही है। लगातार खपत जो है सबसे ज्यादा होती जा रही है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिएगा ये तेल और प्राकृतिक गैस के कुछ क्षेत्र हैं। यहां पे मैंने तेल क्षेत्रों के लिए आपके कुछ प्रतीक चिन्ह दिए हैं और प्राकृतिक गैस के लिए कुछ प्रतीक चिन्ह दिए हैं। जैसे आप बात करोगे हजीरा, ये तेल और प्राकृतिक गैस दोनों का उत्पादन करता है। वसीन तेल क्षेत्र, ये भी आपके प्राकृतिक गैस और तेल दोनों का उत्पादन करता है। मुंबई हाई से तेल उत्पादन होता है। झाबुआ मध्य प्रदेश, यहां से भी तेल का उत्पादन होता है। रामनाथपुरम, यहां से केवल प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। कृष्णा गोदावरी बेसिन से तेल और प्राकृतिक गैस दोनों निकलेंगे। फिर बात की जाए अलियाबेट, अलियाबेट जो गुजरात के अंदर पड़ता है वहां से प्राकृतिक गैस का ही उत्पादन होगा, ध्यान रखना। बात करें अंकलेश्वर, कलोल और कोयली, यहां से आपके तेल और कोयली क्षेत्र से तेल और प्राकृतिक गैस दोनों निकलेंगे, ध्यान रखना, तेल प्राकृतिक गैस दोनों निकलेंगे। बीकानेर से तेल का उत्पादन होता है। बाड़मेर से तेल और प्राकृतिक गैस दोनों। मोरान, शिवसागर,
यहां से केवल तेल का उत्पादन होगा, नहर कटिया और डिगबोई से तेल और प्राकृतिक गैस दोनों का क्या होगा, उत्पादन होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फिर हम आगे चलते हैं इसी में, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फिर आगे चलेंगे इसी में। देखना, भारत यूएसए तथा चीन के पश्चात सबसे बड़ा तीसरा उपभोक्ता देश है। भारत जो है यूएसए और चीन के पश्चात तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है, किसका, तेल का। भारत में विश्व की कुल खपत का 5% उपयोग होता है, यानी भारत जो है कुल विश्व में जो खपत होती है उसका 5% भारत में खपत होती है। अगर इसको भारत के स्तर पर आप डेटा को देखोगे तो 100% में आकर डिवाइड होगा। 16% घरेलू उत्पादन के माध्यम से आपूर्ति होती है, लेकिन अभी भी समस्या है कि 84% हम किसके माध्यम से, आपूर्ति के माध्यम से या आयात पर निर्भर होते हैं। यानी 16% तो हम घरेलू उत्पादन से कर लेते हैं, लेकिन 84% जो है वो हमें मंगवाना पड़ता है, आयात पर निर्भर है। सबसे ज्यादा आयात हम सऊदी अरब से करते हैं, कुवैत से करते हैं और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से भी करते हैं, ध्यान रखना। तो हम यहां से जितने भी ये आपके अरब कंट्री हैं इन्हीं से हम जो है आपके सबसे ज्यादा आयात करते हैं, किसका, पेट्रोलियम का। फिर एक छोटा सा यहां पे एक कंसेप्ट दिया हुआ है, विजन 2020। ये क्या करता है, ये 15 अगस्त 1999 को जारी किया गया था। यानी विजन 2020 क्या है, आपके खनिजों को सतत पोषणीय और तकनीकी आधार देने के लिए जारी किया गया था, क्योंकि खनिज संसाधन जो है ये सीमित है, लेकिन इनका अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है, आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर नहीं किया जा रहा। सतत उपयोग का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु का उपयोग आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाए, ऐसा विकास सतत विकास कहलाता है, ध्यान रखना, ठीक है। देखिएगा उद्देश्य, खनिजों को सतत पोषणीय एवं तकनीकी आधार देने के लिए जारी किया गया था। बात आती है तेल तथा प्राकृतिक गैस के परिशोधन के लिए रिफाइनरी की स्थापना की गई। भारत की पहली रिफाइनरी डिगबोई असम में 1901 में स्थापित की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में पहली रिफाइनरी कब स्थापित की गई थी, तो ये 1901 के अंदर डिगबोई असम में स्थापित की गई थी, ध्यान रखना, भारत की पहली तेल रिफाइनरी। बात आती है राजस्थान में रिफाइनरी, तो राजस्थान में रिफाइनरी किस स्थान पर है, पंचपदरा बाड़मेर में। राज्य की पहली तथा देश की 26वीं रिफाइनरी है, यानी ये राज्य की तो पहली है लेकिन देश की कौन से नंबर की रिफाइनरी है, 26वें नंबर की रिफाइनरी है, ध्यान रखना, देश की 26वें नंबर की रिफाइनरी है। इसका कुल बजट 43,129 करोड़ रुपए, यानी इस रिफाइनरी के अंदर जो बजट लगाया गया है वो कितना लगाया गया है, ये लगाया गया है 43,129 करोड़ रुपए का बजट लगाया गया, ध्यान रखना, ठीक है। बात की जाए इसकी आधारशिला, देखिएगा ये BS6 मॉडल पर है, ये वाहनों के पेट्रोलियम के मानक होते हैं, भारत स्टेज मानक होते हैं, तो ये BS6 मॉडल पर आधारित है। आधारशिला 2013 में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने रखी थी, इसका उद्घाटन 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, यानी इसका जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, और ये कब किया था, 2018 में, ध्यान रखना। इसमें अगर आप योगदान की बात करोगे ना तो HPCL बोले तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसने तो 74% लगा रखा है, लेकिन राज्य सरकार का कितना है, 26%। यानी इस रिफाइनरी के अंदर बात करोगे साझेदारी की तो HPCL की साझेदारी 74% और राज्य सरकार की 26% इसमें साझेदारी देखने को मिलती है, ध्यान रखना। बात की जाए प्राकृतिक गैस की, भारत में प्राकृतिक गैस की खोज का कार्य तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किया जा रहा है। कुल भंडार का लगभग 75% भाग मुंबई हाई व तेल वसीन क्षेत्र के अंतर्गत दिखाई देता है। यानी अगर अब आपसे बात की जाए तेल और प्राकृतिक गैस के अंदर, मेन रूप से ये डेटा आपको याद रखना है कि इसका जो आपके कुल जो भंडार है उसका लगभग 75% भाग मुंबई हाई और वसीन तेल क्षेत्र के अंदर दिखाई देता है, ध्यान रखना। बात की जाए प्राकृतिक गैस की, इसका 40% उपयोग रासायनिक उद्योगों में और 30% उपयोग बिजली घरों में किया जा रहा है। यानी जो प्राकृतिक गैस है उसका 40% जो है वो रासायनिक उर्वरकों में उपयोग, रासायनिक जो उद्योग है उनमें किया जा रहा है, और 30% बिजली घरों को यहां से जो है उसमें दिया जा रहा है। बात की जाए भारत में ऊर्जा परिदृश्य की, ये भी आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ऊर्जा परिदृश्य में कैसे याद रखना है, ध्यान देना, ऊर्जा परिदृश्य में ये डेटा आपको याद रखना है, भारत की वर्तमान में कुल अधिष्ठापित क्षमता 417,668 मेगावाट है। यानी भारत के अंदर आपसे पूछा जाता है कि कुल विद्युत अधिष्ठापित क्षमता कितनी है, 417,668 मेगावाट है। ये डेटा आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब देखिएगा संस्थागत रूप से देखा जाए तो क्षेत्रवार ये मेगावाट में स्थिति, ये 31/5/2023 तक का डेटा है, ध्यान रखना, लेटेस्ट डेटा है,
इससे पहले का डेटा आपको याद नहीं रखना, इससे बाद का कोई डेटा आया नहीं है। अगर इसमें आप 417,668 में देखोगे तो केंद्रीय क्षेत्र का योगदान कितना है, तो केंद्रीय क्षेत्र का योगदान है 24%। आप बात करोगे राज्य क्षेत्र का योगदान, तो राज्य क्षेत्र का योगदान है 25.3%, लेकिन निजी क्षेत्र का योगदान ज्यादा है, और निजी क्षेत्र का योगदान कितना है, यह है 50.7%। 50.7% है, ध्यान रखना यह निजी क्षेत्र का है। तो ये टोटल अगर आप विद्युत का उत्पादन देखोगे 100%, उसमें से 24% जो है वह केंद्र सरकार का है, जबकि 25% के आसपास ये किसका है, ये आपके राज्य सरकार का है, और 50.7% यानी लगभग 51% के आसपास ये डेटा जाएगा, यह किसका है, तो यह आपको ध्यान रखना है निजी क्षेत्र का है। टोटल विद्युत का उत्पादन 417,668 मेगावाट क्षमता है, ध्यान रखना भारत की अधिष्ठापित क्षमता है, और यह 31 मई 2023 तक की स्थिति के अकॉर्डिंग है, ध्यान रखना। बात की जाए देखो ये जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन से जो आपको मिलेगा वो मिलेगा, ध्यान रखना देखिएगा, जीवाश्म ईंधन में सबसे ज्यादा कोयला, कोयला कितना परसेंट, 49.1%। अब जीवाश्म ईंधन का कुल आपको ध्यान रखना है 56.8%, यानी जीवाश्म ईंधन से कितना परसेंट आपके विद्युत प्राप्त हो रही है, वो आपके हो रही है 56.8% हो रही है, ध्यान रखना 56.8%। बात की जाए गैर जीवाश्म, गैर जीवाश्म इसमें REs रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जल विद्युत सहित है, ध्यान रखना जल विद्युत क्या है, सहित है। अगर इसके टोटल आप डेटा की बात करोगे, टोटल आप डेटा की बात करोगे तो ध्यान रखना, टोटल अगर इसका डेटा आता है तो वह आता है 43.2%, यानी टोटल डेटा कितना है इसका 43.2%, यानी गैर जीवाश्म ईंधन से आपको कितना परसेंट ध्यान रखना है, टोटल 43.2% है। और अगर आप यहां से देखिएगा, अभी आपने देखा था ये जीवाश्म ईंधन का 56.8%, यानी जीवाश्म ईंधन का कितना है 56.8% है, ध्यान रखना जीवाश्म ईंधन, ये आपको याद रखना है, ये जीवाश्म है, ये गैर जीवाश्म ईंधन है। टोटल क्षमता आपके सामने है दोनों की मिलाकर, दोनों की मिलाकर कितनी है 417,668 मेगावाट। तो ये दोनों इंडिविजुअली अलग अलग याद रखना, टोटल अधिष्ठापित क्षमता भी आपको मैंने बता दी, गैर जीवाश्म आपको बता दी, जीवाश्म ईंधन की आपको बता दी। जीवाश्म ईंधन में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, कोयले का है, 49% लगभग, ठीक है। यहां पे फिर आपको देखिए पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा इनका आपको दे रखा है, जल ऊर्जा ये आपको जो है आपके, अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की आप बात करें तो सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से है 41.6%। वो डेटा भी आप चाहो तो याद रख सकते हो, बाकी इतना गहराई से कभी पूछता नहीं एग्जामिनर, कुल डेटा आपसे पूछ लेगा, गैर जीवाश्म ईंधन आपसे पूछ लेगा, जीवाश्म ईंधन आपसे पूछ लेगा कितना कितना परसेंट योगदान है, टोटल अधिष्ठापित क्षमता का डेटा तो पूछा भी जा सकता है, ध्यान रखना। इसमें बात करते हैं 31 मार्च 2023 तक देश में कुल परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी, 6,780 मेगावाट। ये भी डेटा आपको याद रखना है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की जो अधिष्ठापित क्षमता थी वो कितनी थी, ये आपके थी 6,780 मेगावाट थी, 6,780 मेगावाट थी, ध्यान रखना। बात की जाए सरकार ने 2032 तक अपनी क्षमता 27,500 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है, यानी सरकार ने क्या किया है कि हम 2032 तक अपनी क्षमता को 27,500 मेगावाट तक ले जाएंगे। फिर क्या कह रहे हैं, भारत ने परमाणु शक्ति के विकास के लिए अनेक अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किए हैं जो निम्नलिखित हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत ने अपनी परमाणु शक्ति को बढ़ाने के लिए अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किए हैं जो कौन कौन से हैं, अगर मैं बात करूं पहले की तो ये अप्सरा है, अप्सरा आपको ध्यान रखना है 1956 में, फिर आता है साइरस 1960 में, जर्लिना 1961 में, पूर्णिमा फर्स्ट है 1972, पूर्णिमा सेकंड 1984, पूर्णिमा थर्ड 1990। देखिएगा एक तो अप्सरा के नाम से है, एक साइरस के नाम से है, एक जर्लिना के नाम से है, तीन पूर्णिमा के नाम से है, याद रखना। सबसे पहला याद रखना अप्सरा 1956, साइरस 1960, जर्लिना 1961। बात की जाए पूर्णिमा फर्स्ट की तो 1972, पूर्णिमा सेकंड की आप बात करोगे 1984, और पूर्णिमा थर्ड की आप बात करोगे तो 1990। याद रखना अप्सरा का जरूर याद रखना, अप्सरा 1956 पहला है, ध्यान रखना। फिर यहां पे कुछ और चीजें आपको बता रहा हूं, देखिएगा
प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में 1969 में, और यह हल्के जल पर आधारित है, ध्यान रखना हल्के जल पर आधारित है। रावत बाटा कनाडा के सहयोग से राजस्थान का पहला है, ध्यान रखना, और यह भारी जल पर आधारित है। और रावत बाटा कोटा की बात कर रहा है। प्रथम स्वदेशी कल्पक्कम, और यह कल्पक्कम पड़ेगा तमिलनाडु में। प्रथम स्वदेशी अगर बात की जाए तो ये कल्पक्कम, और कल्पक्कम कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर है, ध्यान रखना कल्पक्कम तमिलनाडु के अंदर है। अब मैं एक चित्र के माध्यम से आपको भारत के परमाणु संयंत्र दिखा देता हूं। ये देखिएगा परमाणु संयंत्र भारत के प्रमुख, पहला आता है रावत भाटा, यहां पे 100 मेगावाट की एक इकाई है, 200 मेगावाट की एक है, 220 मेगावाट की चार इकाइयां हैं, और अभी बात की जाए 700 मेगावाट की दो इकाइयां। देखो इधर मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये कार्यरत को है, ये निर्माणाधीन को, ये प्रस्तावित है। अब यहां पे निर्माणाधीन इकाइयां कितनी है, दो है, 700 मेगावाट की। तारापुर महाराष्ट्र में है, केगा कर्नाटक में है, कूडनकुलम कहां पर है, तमिलनाडु में है, और कल्पक्कम भी तमिलनाडु के अंदर है। काकरापार गुजरात के अंदर है, हरिपुर पश्चिम बंगाल के अंदर है, नरोरा यूपी के अंदर है, फतेहाबाद हरियाणा के अंदर है। एक बार इसका भी स्क्रीन शॉट हो जाए। भारत के प्रमुख मैंने परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपको बताए हैं। बात की जाए पहला परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र के अंदर, सर्वाधिक क्षमता वाला कूडनकुलम है, ध्यान रखना क्षमता सर्वाधिक किसकी होगी, कूडनकुलम की होगी, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट पे ध्यान दीजिएगा, एक योजना है जो प्रश्न लेकर आ जाती है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। शुरुआत कब हुई थी, 2015 में, यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत कब हुई, 2015 में। उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण के लिए पहले से चल रही राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के स्थान पर लाई गई थी। यानी ये क्या की गई कि ऑलरेडी हमारे यहां पर पहले से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चल रही थी, उसके स्थान पर हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को हम लेकर आ गए। इसमें क्या रखा गया है कि 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को निर्बाध रूप से विद्युत सुविधा उपलब्ध करवाना है। यानी इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि हम 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण जो परिवार है उनको निर्बाध रूप से जो है विद्युत सुविधा क्या करवाएंगे, उपलब्ध करवाएंगे। फिर बात आती है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब आता है, 14 दिसंबर को आता है। पूछा जाए कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब आता है, 14 दिसंबर को आता है, इसको भी स्टार लगा दीजिए, यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बात की जाए भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की, यानी भारत के अंदर ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें पहला आता है जल विद्युत, जल विद्युत जो है भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत आने वाला ही है, ध्यान रखना, ठीक है, चलेगा। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र 1898 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। अब देखो कंफ्यूजन पैदा मत करना, गैर में आप जो है जल विद्युत को शामिल कर सकते हैं, परंपरागत में भी आप जल विद्युत को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये जल विद्युत जो है ये दोनों के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है, ध्यान रखना, और ये ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय है, ध्यान यहां से ये भी रखना है। स्थापित किया गया इसके पश्चात क्रम से मेंटूर शिव समुद्रम जैसे अनेक विद्युत संयंत्रों की स्थापना की गई। स्वतंत्र भारत के पश्चात विशेषकर पहली व दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास पर बल दिया गया था, क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात सबसे जो विकट समस्या थी वो थी आपके भुखमरी की, उसको समाप्त करने के लिए रोटी चाहिए, रोटी के लिए चाहिए अनाज, और अनाज के लिए क्या करना पड़ेगा, कृषि। भारत के अंदर आपको पता होना चाहिए कि भारत के अंदर अधिकांश जो फसलें हैं या अधिकांश जो कृषि का भाग है वो मानसून पर निर्भर है, मानसून पर निर्भर है, ध्यान रखना अधिकांश भाग, और आज भी लगभग 55% भाग जो कृषि का है वो मानसून पर निर्भर है, ध्यान रखना 45% भाग जो है वो सिंचाई के ऊपर निर्भर है, ध्यान रखना। इसके अंतर्गत दामोदर नदी घाटी बहुउद्देश्य परियोजना, भांकड़ा नांगल, व्यास, चंबल जैसी नदी घाटी परियोजनाओं पर विशेष रूप से बल दिया गया। यानी ये पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान विकसित की गई योजनाएं हैं, विकसित की गई योजनाएं हैं जो आपके विद्युत उत्पादन को क्या कर रही हैं, बल दे रही हैं। बात आती है सौर ऊर्जा की, सेकेंड सोर्सेज हमारा सौर ऊर्जा, इसकी संभावित क्षमता, सौर ऊर्जा से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सौर ऊर्जा की संभावित क्षमता
748 गीगावाट, यानी सौर ऊर्जा की जो संभावित क्षमता है वो कितने 748 गीगावाट। पूछा जाए वर्तमान में सौर ऊर्जा का उत्पादन 63.30 गीगावाट है, यानी ये योगदान अगर आपसे पूछा जाता है कि कुल ऊर्जा सेक्टर में योगदान कितना है, 14.3% इसका योगदान है। ध्यान रखना ऊर्जा सेक्टर में सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है, ये आपको कॉमन बात है याद होनी चाहिए, ये कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है, पर्यावरण के अनुकूल है, यानी पर्यावरण के लिए बहुत अनुकूल है। भारत जैसे देशों में जहां 300 से अधिक दिन ऐसे होते हैं जब सूर्य उपस्थित रहता है वहां पर सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाएं देखी जाती हैं। देश में सौर ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है, सर्वाधिक संभावनाएं भी राजस्थान में है, और राजस्थान में अगर उत्पादन की आप बात करोगे तो राजस्थान के अंदर 142 गीगावाट क्षमता है, यानी राजस्थान में उत्पादन की अगर बात करोगे तो उत्पादन क्षमता कितनी है 142 गीगावाट है। और अगर वर्तमान में उत्पादन में आप सर्वोच्च राज्य देखोगे तो उनमें राजस्थान है, गुजरात है, कर्नाटक और तमिलनाडु है, यानी सौर ऊर्जा के उत्पादन में अगर अग्रणी राज्यों की बात करोगे तो अग्रणी राज्य कौन से हैं, राजस्थान है, गुजरात है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आता है ध्यान रखना सौर ज्योति योजना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सौर ज्योति योजना यह केंद्र सरकार की योजना है, 5 अप्रैल 2016 को, यानी सौर ज्योति योजना कब आई थी, 5 अप्रैल 2016 को, केंद्र सरकार की योजना है। योजना कम लागत वाले, पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाने वाले, सौर ऊर्जा से प्रकाश देने वाले उपकरणों से संबंधित योजना है, यानी यह योजना क्या है कि आपके जो कम लागत वाले, पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाने वाले, जो सौर ऊर्जा से प्रकाश देने वाले उपकरण है उनसे संबंधित यह योजना है। इसमें उन ग्रामीण परिवारों को लाभ होगा जो सुविधाओं के अभाव में विद्युत लाभ नहीं ले पा रहे हैं, यानी उन क्षेत्रों को ज्यादा लाभ होगा जो आपके ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं और सुविधाओं के अभाव में जो है विद्युत का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उन क्षेत्रों के लिए विशेषकर यह योजना रखी गई है, सौर ज्योति योजना 5 अप्रैल 2016, याद रखना केंद्र सरकार की योजना है। बात की जाए इसी में नेक्स्ट पे पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा की संभावित क्षमता कितनी है, 695 गीगावाट है। वर्तमान में उत्पादन की आप बात करोगे तो 41.93 गीगावाट, योगदान 10.1%। इसके अंतर्गत पवन चक्की स्थापित करके पवन प्रवाह के उत्पन्न ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है, यानी पवन चक्की में स्थापित करते हैं और उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है, पवन के प्रवाह से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को हम क्या कह रहे हैं, पवन ऊर्जा कह रहे हैं। अब पवन ऊर्जा के मामले में हमारा राजस्थान चौथे स्थान पर आता है, ध्यान रखना। बात की जाए पहले स्थान पर तमिलनाडु, सेकंड पे गुजरात है, थर्ड पे कर्नाटक है, यानी पवन ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान चौथे स्थान पर, पहले पे तमिलनाडु लेकिन सौर ऊर्जा में राजस्थान पहले स्थान पर, ध्यान रखना। पवन ऊर्जा की प्राप्ति के लिए 5 किलोमीटर प्रति घंटे के अधिक से पवन का प्रवाह होना चाहिए, यानी अगर पवन ऊर्जा की आप प्राप्ति करना चाहते हैं तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे अधिक जो है आपके पवन का प्रवाह होना चाहिए। संपूर्ण भारत में सर्वाधिक, वर्ष भर में सर्वाधिक टर्बाइन तमिलनाडु में स्थापित की गई हैं, यानी संपूर्ण भारत में अगर वर्ष भर का आप डेटा देखोगे तो टर्बाइन जो सबसे ज्यादा कहां पर स्थापित किए गए हैं, तमिलनाडु के अंदर स्थापित किए गए, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, डेटा पूछा जा सकता है क्योंकि तमिलनाडु पवन ऊर्जा के मामले में सबसे टॉप पर आने वाला स्टेट है। भारत में पवन ऊर्जा के विकास के लिए, यह इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन कर देता हूं इस बात को, पवन ऊर्जा के विकास के लिए राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति 2015 घोषित की गई, यानी अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में पवन ऊर्जा के विकास के लिए हमने क्या किया है कि राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति 2015 की हमने क्या कर दी, घोषणा कर दी है। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत की जो आपके तटीय सीमा है ना 7516 किलोमीटर, इसके अलावा भारत का क्षेत्राधिकार जो है सागर के अंदर भी आपको पता होना चाहिए, किसी भी देश का सामान्य क्षेत्राधिकार होता है वो 200 नॉटिकल मील तक होता है, तो 200 नॉटिकल मील तक जितना भी क्षेत्र आएगा वहां पर हम जो है पूर्ण रूप से पवन ऊर्जा का क्या कर सकेंगे, विदोहन कर सकेंगे। तो वहां पर ये जो है नीति घोषित की गई है, राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति, और ये कब घोषित की गई है, 2015 में। तो इसका उद्देश्य है कि पवन ऊर्जा का पूर्ण रूप से क्या किया जाना चाहिए, दोहन किया जाना चाहिए, तभी हम इसका पूर्ण रूप से दोहन कर सकेंगे, ध्यान रखना। बात की जाए नेक्स्ट पे ज्वारीय ऊर्जा, अगर ज्वारीय ऊर्जा की बात करते हो तो देखो ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि देखो जैसे सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण कारक का क्या होता है कि पृथ्वी पर जो महासागरों में जो जल है वो अचानक से ऊपर उठता है फिर नीचे गिरता है, ऊपर उठने की प्रक्रिया को ज्वार, नीचे गिरने को क्या कहते हैं, भाटा। तो इस ज्वार और भाटा जब उत्पन्न होता है तो इसमें ज्वारीय तरंगें निकलती हैं जिससे अपन जो एक शक्ति प्राप्त होती है वही शक्ति क्या कहला रही है, ज्वारीय एनर्जी कहला रही है, ध्यान रखना।
भारत में ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन के दो संभावित क्षेत्र हैं, एक तो गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र अर्थात कच्छ व खंबात की खाड़ी वाला क्षेत्र, और दूसरा सुंदरबन का डेल्टाई क्षेत्र अर्थात पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र। बात करोगे गुजरात में, यहां पर भारत में औसतन अधिक ऊंचे ज्वार आते हैं, यहां पर भारत में एवरेजन अधिक ऊंचे ज्वार आएंगे, और यहां पर 8 से 11 मीटर की ऊंचाई के ज्वार यहां पर देखे जाते हैं, ध्यान रखना 8 से 11 मीटर की ऊंचाई तक के ज्वार आते हैं। क्षमता यहां की टोटल कितनी है, 8200 मेगावाट है। क्षमता कितनी है, 8200 मेगावाट है, यानी ये संभावित क्षमता है, ध्यान रखना संभावित क्षमता है 8200 मेगावाट। बात की जाए सुंदरबन की, तो यहां पर अपेक्षाकृत कम ऊंचाई के ज्वार आते हैं, क्योंकि ज्वार भाटा की ऊंचाई सागर के खुले या बंद होने पर निर्भर करती है, सागर के खुले या बंद होने पर निर्भर करती है ज्वार भाटा की ऊंचाई। यहां की कुल क्षमता 100 मेगावाट है, अपेक्षाकृत देखा जाए तो गुजरात वाला क्षेत्र ज्यादा है, जबकि पश्चिम बंगाल वाला सुंदरबन का डेल्टाई क्षेत्र है, ये सौर ऊर्जा के उत्पादन के मामले में कम है, ध्यान रखना सॉरी ज्वारीय ऊर्जा के मामले में। बात की जाए नेक्स्ट पे भूतापीय ऊर्जा, अगर आप भूतापीय ऊर्जा की बात करोगे तो यह ऊर्जा का सीमित क्षमता वाली ऊर्जा है। एक आंकलन के अनुसार भारत में इसकी क्षमता 600 मेगावाट है। भारत में लगभग 115 पानी के गर्म झरने तथा 350 ऐसे स्थान है जहां से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, यानी भारत के अंदर 115 तो गर्म पानी के झरने हैं और 350 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए जहां से भूतापीय ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर कई बार डायरेक्ट यहां से प्रश्न आ जाता है, इस लाइन को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसके अंतर्गत लद्दाख का पुंगा घाटी क्षेत्र, कई बार पूछा जाता है लद्दाख का जो पुंगा घाटी क्षेत्र है वो किसके लिए जाना जाता है, वो आपके जाना जाएगा भूतापीय ऊर्जा के लिए। हिमाचल प्रदेश का मणिकरण क्षेत्र और गुजरात का तुआ घाटी क्षेत्र, ये तीन क्षेत्र हैं, लद्दाख का पुंगा घाटी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश का मणिकरण क्षेत्र और गुजरात का तुआ घाटी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है। तो देखिएगा हिमाचल प्रदेश का मणिकरण क्षेत्र हो गया, गुजरात का तुआ घाटी क्षेत्र हो गया, और ये महाराष्ट्र का पश्चिमी घाट, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, उड़ीसा का महानदी बेसिन, जहां से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तो भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र आपको ध्यान रखना है, मैंने एक तो आपको पुंगा घाटी क्षेत्र बताया है, मणिकरण क्षेत्र बताया है, और एक गुजरात का तुआ घाटी क्षेत्र आपको बताया है, ध्यान रखना ये तीन क्षेत्र तो वेरी इंपॉर्टेंट पूछे ही जाते हैं। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। और भाई अब अपने पास इतना समय भी नहीं है कि मैं आपसे बातचीत करके अपने समय को व्यतीत कर पाऊं, ठीक है, ओनली कंटेंट टू कंटेंट क्लास में देखा गया, सारी चीजें अच्छे से देख के चले जाना एग्जाम में जाने से पहले। देखिएगा बायोमास ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा की संभावित क्षमता कितनी है, 42 गीगावाट है, यानी बायोमास ऊर्जा की जो संभावित क्षमता है वो कितनी है, 42 गीगावाट। अब कुछ और डेटा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, यूरेनियम, यूरेनियम ये प्रमाणविक खनिजों में आता है, विश्व का 2%। अगर यूरेनियम की आप भंडार क्षेत्रों की बात करोगे तो कई बार सीधा खानों से प्रश्न आ जाता है, जिसमें ये जादूगोंडा की खान है ये ज्यादा पूछी जाती है, जादूगोंडा सिंहभूमि झारखंड के अंदर है। बात करोगे महाडस्क तो ये खासी पहाड़ी मेघालय के अंदर है, खासी पहाड़ी मेघालय के अंदर है। फिर आप बात करोगे आंध्र प्रदेश के अंदर तुमलापल्ली है, तुमलापल्ली है आंध्र प्रदेश के अंदर। फिर आप बात करोगे राजस्थान के अंदर टोंक है, उदयपुर है, भीलवाड़ा है, सीकर है, ये यूरेनियम के प्रमुख भंडारक क्षेत्र है, ध्यान रखना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। ये यूरेनियम के प्रमुख भंडारक क्षेत्र है। बात की जाए इसी के समकक्ष एक खनिज और आता है थोरियम, यह भी प्रमाणविक खनिजों में आता है, विश्व का 25%। प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो पाली, उदयपुर, और यह भारत के अंदर सबसे ज्यादा निकलता है वो मोनोजाइट प्रकार की रेत में निकलता है, यानी इस प्रकार का चट्टानों मिलता है, और ये मोनोजाइट रेत जो है ये केरल के अंदर है, ध्यान रखना। इसके अलावा बात करोगे भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के अंदर भी जो है यूरेनियम के भंडार है और थोरियम के भी भंडार है, दोनों के भंडार है, ध्यान रखना, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलते हैं। देखिएगा अब भारत के अंदर औद्योगिक विकास, हमने देखिएगा परिवहन की बात कर ली, खनिजों की बात कर ली, ऊर्जा संसाधनों की बात कर ली, फसलों की बात कर ली, अब बारी आती है भारत का औद्योगिक विकास। अब औद्योगिक विकास में आप देखोगे तो भारत के अंदर केवल औद्योगिक प्रदेश दिए गए हैं, भारत के अंदर क्या दिए गए, औद्योगिक प्रदेश। बात की जाए देखिएगा उद्योग, वह इकाई या स्थान जहां पर कच्चे माल को परिवर्तित माल में तैयार किया जाता है उस स्थान को हम क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं, ध्यान रखना। भारत में उद्योगों का विकास, उद्योग जो होता है अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में आता है, अर्थव्यवस्था के तीन सेक्टर आपको मेन रूप से दिखाई देते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आखेट आता है, सेकंड के अंदर उद्योग आता है, थर्ड के अंदर आता है सेवा क्षेत्र। औद्योगिक विकास मानव के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए
अति आवश्यक है। आधुनिक उद्योगों से पहले भारत में घरेलू तथा कुटीर उद्योग अधिक रह गया था, यानी पहले अगर देखा जाए आधुनिक उद्योग जो है बृहत स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर पहले अगर देखा जाए तो घरेलू और कुटीर उद्योग अधिक दिखाई देते थे, लेकिन आजकल आधुनिक उद्योग भारत के अंदर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और अगर बात की जाए औद्योगिक विकास, तो मानव के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। कौन? उद्योग। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत के रेशमी कपड़ों तथा हस्तकला से निर्मित वस्तुओं की मांग पूरे विश्व में थी। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ तो हस्तकला का धीरे धीरे विनाश होता गया, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या कर दिया था कि यहां से क्या करते कि ईआईसी के आगमन के पश्चात जो कच्चा माल है ना, भारत से ब्रिटेन भेजा जाने लगा और भारत के अंदर जो है वस्तुओं का निर्यात वहां से किया जाने लगा, यानी भारत के अंदर जो है वहां से वस्तुएं तैयार करते और भारत के अंदर वहां से जो है चीजों को भेजते। अब कच्चा माल तो वहां चला गया, तो भारत में यहां पर जो है चीजें यहां से बनाई नहीं पाएंगे, क्योंकि बनाने के लिए क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए। ध्यान रखना, क्या चाहिए? कच्चा माल। अनेक देशों में किया जाता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1854 से पूर्व भारत में औद्योगिक विकास नहीं हो पाया, क्योंकि 1854 से पहले इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि अंग्रेजों के पूरा का पूरा हम अंडर थे, पूरा का पूरा ईआईसी पूरा का पूरा देखरेख कर रही थी वहां पे। भारत में औद्योगिक विकास के लिए उठाए गए प्रमुख कदम, यानी भारत में औद्योगिक विकास के लिए हमने कौन कौन से कदम उठाए हैं, देखिएगा। भारत में आजादी के पश्चात 1947 जूट तथा सूती वस्त्र उद्योग को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। अब जूट और सूती वस्त्र उद्योग को नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि जूट के उन्नत किस्म के कपास के क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए। उधर आपने देखा होगा बांग्लादेश इधर से अलग हो गया और इधर पाकिस्तान अलग हो गया, तो इनमें क्या हुआ कि बांग्लादेश में जूट के क्षेत्र, पाकिस्तान में कपास के क्षेत्र चले गए और भारत के अंदर जो है आपके मिले ज्यादा रह गई। अब कच्चा माल नहीं है, मिले हैं, तो नुकसान होगा। कच्चा माल है, मिले नहीं है, तो क्या होगा? नुकसान होगा। ध्यान रखना, भारत सरकार को उद्योगों के विकास के लिए अलग से औद्योगिक नीतियां बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। जैसे हम आजाद हुए तो हमें अलग से औद्योगिक नीतियां बनाने की क्या है, आवश्यकता महसूस हुई, और इसी क्रम में पंचवर्षीय योजनाओं के तहत औद्योगिक विकास पर अत्यधिक बल दिया गया। यानी पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर भी हमने देखा कि दूसरी और तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है उसमें औद्योगिक विकास पर अधिक बल दिया गया था, ये आपने पढ़ा होगा शायद, ठीक है। हमारे सिलेबस में वैसे है नहीं ये, ठीक है। चलना बात की जाए इसी में, देखो भारत की प्रमुख औद्योगिक नीतियां, अब तक भारत के अंदर जो औद्योगिक नीतियां जारी की गई हैं उनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं कि भारत के अंदर अब तक कौन कौन सी औद्योगिक नीतियां जारी की गई है। बात करें अगर पहली औद्योगिक नीति की, भारत के अंदर पहली जो औद्योगिक नीति जारी की जाती है वो 1948 में, यानी भारत के अंदर जो पहली औद्योगिक नीति आती है वो कब आती है? 1948 में। एक बार यहां तक इसको नोट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। ये जो औद्योगिक नीति जारी की गई थी ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा जारी की गई थी, यानी भारत की जो पहली औद्योगिक नीति आती है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा जारी की गई थी। इस नीति के तहत मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्रों के अतिरिक्त निजी क्षेत्र के उद्योगों के विकास पर भी बल दिया गया था, अर्थात एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के विकास पर बल दिया गया था। यानी इसमें जो है आपके मुख्य रूप से जो सार्वजनिक क्षेत्र के अतिरिक्त जो निजी क्षेत्र के उद्योग थे उनके विकास पर भी बल दिया गया, अर्थात एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के विकास पर क्या दिया गया था? बल दिया गया था। ऐसा कौन सी औद्योगिक नीति के अंदर मिलेगा आपको? पहली औद्योगिक नीति के अंदर देखने को मिलेगा, और 1948 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी द्वारा यह जारी की गई थी। ध्यान रखना, पहली औद्योगिक नीति। बात करते हैं दूसरी औद्योगिक नीति, यह कब जारी की जाती है? 1956 में जारी की जाती है। इस औद्योगिक नीति के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर बल दिया गया था, यानी इसमें केवल सार्वजनिक उद्योगों के क्षेत्र पर क्या दिया गया? बल दिया गया। इसी के तहत दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में बड़े उद्योग स्थापित किए गए, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। ये कई बार पूछा जाता है, ये कई बार पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल के अंदर, भिलाई छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए बड़े उद्योग है। ध्यान रखना, लोह इस्पात उद्योग है। ध्यान रखना, बात की जाए तो तीसरी औद्योगिक नीति, तीसरी औद्योगिक नीति 1977 में जारी हुई। इसके तहत
लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था। यानी तीसरी औद्योगिक नीति मन में क्या किया कि लघु और जो कुटीर उद्योग थे उनके विकास पर अधिक क्या दिया, बल दिया। इसी के दौरान भारत में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई, साथ में उप जिला केंद्रों की भी स्थापना की गई थी। यानी इसके अंदर हमने क्या किया कि जिला उद्योग केंद्र बनाए और इसके अतिरिक्त जो है आपके उप जिला उद्योग केंद्र भी बनाए गए थे। और राजस्थान के अंदर 36 जिला उद्योग केंद्र तथा 8 उप जिला उद्योग केंद्र बने हुए हैं, ध्यान रखना 36 जिला उद्योग केंद्र जबकि 8 उप जिला उद्योग केंद्र राजस्थान के अंदर है, ध्यान रखना। चौथी औद्योगिक नीति 1980 में, यानी भारत की जो चौथी औद्योगिक नीति आती है कब आती है, 1980 में। इस नीति के तहत बीमार औद्योगिक विकास पर बल दिया गया था, यानी ऐसे उद्योग जो घाटे में चल रहे हैं उनको बीमार औद्योगिक श्रेणी में रखा गया था और उनके विकास पर क्या दिया गया, अधिक बल दिया गया था। तो ये चौथी औद्योगिक नीति का प्रमुख क्या था, उद्देश्य था। बात की जाए पांचवी औद्योगिक नीति की, पांचवी औद्योगिक नीति क्या कहती है, ध्यान रखना समझिएगा। पांचवी औद्योगिक नीति 1991, इस दौरान पूरे विश्व में आर्थिक मंदी जैसी समस्या उत्पन्न हो गई थी क्योंकि उस समय रूस तथा अमेरिका जैसे दो बड़े राष्ट्र आपस में विवाद में चल रहे थे। यानी रूस और आपके अमेरिका जैसे दो बड़े राष्ट्र जब आपस में लड़ रहे थे तो उस समय पूरे विश्व के अंदर आर्थिक मंदी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई और उसी कारण भारत के अंदर जो है आपके एलपीजी भी लाया गया था। एलपीजी बोले तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इस नीति के तहत भारत में लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। यानी भारत के अंदर पहले उद्योगों के लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता था लेकिन उस लाइसेंस प्रणाली को हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अगर इस लाइसेंस प्रणाली के अंदर बात करोगे तो पांच उद्योग ऐसे हैं जिन्हें अभी भी लाइसेंस प्रणाली में ही रखा गया है, यानी वहां पर लाइसेंस प्रणाली को समाप्त नहीं किया गया है। उनमें अगर आप बात करोगे, उर्वरक उद्योग है, विस्फोटक सामग्री है, तंबाकू उद्योग है, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंट उद्योग है और अल्कोहल उद्योग है। यानी ये जो पांच उद्योग है ये आज भी लाइसेंस प्रणाली से मुक्त नहीं किए गए हैं, लेकिन भारत के अंदर जो अन्य उद्योग है उनको जो है आपके लाइसेंस प्रणाली से मुक्त कर दिया गया है। लाइसेंस प्रणाली को भारत के अंदर इन उद्योगों के अंदर समाप्त कर दिया है, लेकिन पांच ऐसे उद्योग है जहां पर लाइसेंस प्रणाली को समाप्त नहीं किया गया है। उर्वरक उद्योग पहला है, दूसरा विस्फोटक है, तीसरा तंबाकू है, चौथा इलेक्ट्रिक व इंस्ट्रूमेंट है और पांचवा जो है वो आपके अल्कोहल उद्योग है, ध्यान रखना आपको यहां से पूछा जा सकता है। बात की जाए देखो इसके अंतर्गत विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि के लिए निवेश पर बल दिया गया। यानी इसी के तहत हमने क्या किया कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें वृद्धि के लिए जो है निवेश पर बल दिया। इसी नीति के तहत उद्योगों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए MRTP बोले तो मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस 1969 को समाप्त करके, यानी MRTP एक्ट 1969 को समाप्त करके 2002 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू किया गया। यानी हमने क्या किया कि MRTP एक्ट जो 1969 से प्रभावी था उसको हमने समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर जो है प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को हमने लागू कर दिया। इसी के तहत उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण पर बल दिया गया। मैंने कहा था एलपीजी पर बल दिया गया था, एलपीजी पर बल दिया गया था, ध्यान रखना। इसके अंतर्गत विदेशी व्यापार को नियंत्रित करने हेतु पहले से चल रहे फेरा फॉरेन इन्वेस्ट रेगुलेशन एक्ट 1973 को समाप्त करके फेमा फॉरेन इन्वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 1969 को लागू किया गया। यानी फेरा को हमने समाप्त कर दिया जो 1973 में था उसको समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर फेरा 1999 को 1 जून 2000 को लागू किया गया। यानी फेमा जो है ये 1999, इसे हमने कब लागू कर दिया, 1 जून 2000 को लागू कर दिया। और फेमा किसके स्थान पर आता है, फेरा स्थान पर आता है, ध्यान रखना। किसके स्थान पर है, फेरा के स्थान पर आता है, ध्यान रखना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बात की जाए भारत में औद्योगिक क्षेत्र, अगर भारत में औद्योगिक क्षेत्रों की बात करें तो भारत के अंदर मुख्य रूप से 8 औद्योगिक क्षेत्र हैं, कुल 8 हैं लेकिन मुख्य कितने हैं, 6 हैं। यहां पर मैं 8 औद्योगिक क्षेत्रों की बात करूंगा। देखिएगा भारत को समय समय पर अनेक विद्वानों ने अलग अलग प्रकार के मानदंडों के आधार पर अलग अलग औद्योगिक प्रदेशों में क्या है, विभाजित किया है। यानी भारत को अलग अलग जो है समय पर अलग अलग मानदंडों के आधार पर अलग अलग अनेक विद्वानों ने जो है अलग अलग प्रकार से जो है भारत को औद्योगिक प्रदेशों में बांटा है। भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक आधार पर, यानी भारत को सर्वप्रथम औद्योगिक आधार पर बांटने का जो श्रेय जाता है, मैं यहां का श्रेय, ध्यान रखना यहां पर उसका जो श्रेय जाता है, यह श्रेय किसको जाता है, यह ट्रिवार्थ तथा बर्नर महोदय को जाता है।
यानी भारत को जो है सर्वप्रथम औद्योगिक आधार पर जो बांटने का श्रेय दिया जाता है वो आपके त्रिवार्ता और बर्नर महोदय को दिया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए चित्र में दर्शाया गया, यहां पर मैं आगे जो है आपको बताने वाला हूं, चित्र में दर्शाया गया वर्गीकरण आर एल सिंह द्वारा 1971 में प्रस्तुत किया गया है। यानी मैं जो आगे आपको ये वर्गीकरण बताने वाला हूं ये आर एल सिंह द्वारा 1971 में प्रस्तुत किया गया था बेटा, और ये आर एल सिंह का ही जो है परीक्षाओं में ज्यादा पूछता है, ध्यान रखना। बात की जाए आर एल सिंह की तो इसके अंदर देखिएगा कौन कौन से, इन्होंने जो पहला जो औद्योगिक प्रदेश बताया है वो अहमदाबाद बड़ौदा औद्योगिक प्रदेश है। अहमदाबाद बड़ौदा आपको बताया गुजरात साइड में मिलेगा, आपको गुजरात साइड में मिलेगा। यह देश का तीसरा सूती वस्त्र उद्योग का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है, यानी यह देश का तो तीसरा सूती वस्त्र उद्योग का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक क्या है प्रदेश है। इसके विकास का मुख्य कारण बंदरगाह, कपास उत्पादित क्षेत्र, सस्ते एवं कुशल श्रमिक, पेट्रोलियम इकाइयां तथा इकाइयां जैसी जल विद्युत परियोजनाओं की उपस्थिति है। यानी यहां पर कच्चा माल भी है, परिवहन की सुविधा भी है, कुशल सस्ते मजदूर भी मिल जाते हैं, और इसके अलावा हमने देखा है कि यहां पर जो है पेट्रोलियम और जल विद्युत जैसी अनेक परियोजनाएं, इस कारण ये औद्योगिक क्षेत्र जो है ये अधिक विकसित हुआ है और ये देश का तीसरा सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। ध्यान रखना ये बात क्लियर हो गई होगी, और ये सूती वस्त्र उद्योग का दूसरा सबसे बड़ा है, ऑल ओवर तीसरा है लेकिन सूती वस्त्र के लिए तीसरा सबसे बड़ा है, क्योंकि कपास का उत्पादन यहां पर क्या हो रहा है अधिक हो रहा है। इसके अंदर ऑटोमोबाइल सेंटर भी है, अगर ऑटोमोबाइल सेंटरों की बात करें तो मारुति और टाटा मोटर्स, मारुति और टाटा मोटर्स ये दोनों कहां पर हैं अहमदाबाद के अंदर हैं। यानी यहां पर ऑटोमोबाइल सेक्टर का भी क्या हुआ है विकास हुआ है, इसके अंदर मारुति है और टाटा मोटर्स है, ये दोनों के दोनों इकाइयां कहां पर हैं अहमदाबाद के अंदर है, ध्यान रखना कहां पर हैं अहमदाबाद के अंदर है। बात की जाए नंबर दो की, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश ये महाराष्ट्र वाले पार्ट में आपको मिलेगा, भारत का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है और यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। यानी यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या है सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। दूसरा हमने देखा था कौन सा, गुजरात वाला था, दूसरा कौन सा था गुजरात वाला, पहला महाराष्ट्र वाला मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। यहां पर भारत के बृहत बंदरगाह स्थित होने के कारण इसका अत्यधिक विकास हुआ है। बृहत बंदरगाहों की अगर बात करोगे तो यहां पर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, यहीं पर आपको पता होना चाहिए मुंबई बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह है, तो जवाहरलाल नेहरू और तथा मुंबई बंदरगाह इसी के अंतर्गत आएंगे, ध्यान रखना। स्वेज नहर के खुलने से भारत तथा यूरोप के मध्य, क्योंकि स्वेज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में कनेक्ट कर रही है, पहले पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा कि हमें यूरोप जाना पड़ता था लेकिन अब स्वेज नहर के माध्यम से हम सीधे ही निकल जाते हैं। यानी स्वेज नहर के खुलने से भारत तथा यूरोप के मध्य समुद्री मार्ग कम हो गया, इस मार्ग के खुलने से इस औद्योगिक प्रदेश को अधिक लाभ हुआ है। यानी ये हमने जैसे ये व्यापारिक मार्ग हमने खोला तो यहां से ये जो औद्योगिक प्रदेश है उसका सबसे ज्यादा फायदा मिला है इस स्वेज नहर के खुलने से, क्योंकि पहले यूरोप जाने के लिए हमें अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाना पड़ता था लेकिन अब सीधे ही हम स्वेज नहर के माध्यम से निकल जाते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है यहां के बारे में, ठीक है। इस प्रदेश में 350 सूती वस्त्र उद्योग है, इंजीनियरिंग उद्योग, औषधि उद्योग, फिल्म उद्योग इत्यादि दिखाई देते हैं। यानी यहां पर जो है ना आपके मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश में आपको सूती वस्त्र देखने को मिलेगा, इंजीनियरिंग उद्योग देखने मिलेगा, औषधि उद्योग देखने मिलेगा, फिल्म उद्योग देखने को मिलेगा, ये सब चीजें यहां पर क्या है अत्यधिक विकसित हुई है। इसी के अंतर्गत पुणे औद्योगिक प्रदेश भी आता है, क्योंकि हमने देखा था मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश तो पुणे वाला पार्ट भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, कई किताबों में इसको अलग दिया हुआ है तो ये आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बात की जाए दिल्ली कानपुर या दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश, इसे ही हम दिल्ली गुरुग्राम औद्योगिक प्रदेश भी कह सकते हैं, ध्यान रखना, दिल्ली गुरुग्राम औद्योगिक प्रदेश भी इसे कह सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। यह स्वतंत्रता के पश्चात विकसित औद्योगिक प्रदेश है, यानी यह स्वतंत्रता के पश्चात जो है विकसित औद्योगिक प्रदेश है, ध्यान रखना, क्योंकि वहां पर तो स्वतंत्रता से पहले ही उद्योगों का विकास हो रहा है। आप देखोगे मुंबई के अंदर, आप देखोगे गुजरात के अंदर, आप देखोगे पश्चिम बंगाल के अंदर, आप देखोगे असम के अंदर, तो वहां पर तो पहले से ही औद्योगिक विकास हो रहा है, लेकिन यहां पर दिल्ली के आसपास वाला जो एरिया है यहां पर स्वतंत्रता के बाद अधिक विकास हुआ है। इस औद्योगिक प्रदेश का को सबसे संपन्न औद्योगिक प्रदेश माना जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में कच्चा माल सहजता से उपलब्ध हो जाता है,
क्योंकि यहाँ पर आपके उपजाऊ भूभाग है, तो यहाँ पर कच्चा माल तो आसानी से, क्योंकि कृषि बहुत ज्यादा हो रही है, इसके अलावा आपको पता है सस्ते कुशल श्रमिक भी यहाँ पर मिल जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, बात की जाए नेक्स्ट की, इसके निकट भाकड़ा नांगल जैसी व्यास जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, ठीक है, जिसके कारण इसे विद्युत सहजता से मिल जाती है, कुशल सस्ते श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं, मैंने आपको अभी बताया था। यहां पर इंजीनियरिंग उद्योग, सूती वस्त्र, चीनी, औषधि, रसायन, कृषिगत मशीनरी जैसी औद्योगिक इकाइयां दिखाई देती हैं, क्योंकि आपको पता है कि गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र ये अग्रणी राज्य थे, ध्यान रखना। ठीक है, बात की जाए नंबर चार, हुगली कोलकाता औद्योगिक प्रदेश, यह हुगली नदी के आसपास विकसित प्रदेश है, यहां पर कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, यहां पर प्रचुर मात्रा में कोयले की खाने हैं, जल की उपलब्धता है, विद्युत की आपूर्ति है। 1911 से पहले कोलकाता भारत की राजधानी होने के कारण उद्योगपतियों को अधिक आकर्षित करने वाला क्षेत्र था, क्योंकि 1911 से पहले हमने देखा था कि कोलकाता भारत की राजधानी थी, अब राजधानी के आसपास वाला जो एरिया है ना, ये आपके उद्योगपतियों को क्या करता है, अधिक जो है आकर्षित करता है, जैसे अभी दिल्ली वाला कर रहा है, ध्यान रखना। यहां पर 20 लाख से अधिक श्रमिक काम करते हैं, यानी श्रमिकों की भी अच्छी संख्या है यहां पर। जूट, सूती वस्त्र, लौह इस्पात, इंजीनियरिंग, चमड़ा, चप्पल, औषधि तथा वन औद्योगिक इकाइयां दिखाई देती हैं, यानी यहां पर जो है ये सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयां यहां पर क्या है, दिखाई देती है, ध्यान रखना। बात की जाए इसी के अंतर्गत प्रथम जूट उद्योग रिसरा वेस्ट बंगाल में स्थापित किया गया था, प्रथम रेशम उद्योग हावड़ा पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था, और प्रथम एल्यूमिनियम प्लांट की आप बात करोगे जेके नगर पश्चिमी बंगाल में स्थापित किया गया था। तो प्रथम एल्यूमिनियम प्लांट आपसे पूछे, ये मैंने आपको जो है वैसे बता दिए हैं, मोस्टली मान लो परीक्षा में कहीं से सवाल फंस जाए तो प्रथम एल्यूमिनियम उद्योग की बात करें, प्रथम रेशम की बात करें, प्रथम जूट की बात करें, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम जूट उद्योग आपको बताया रिसरा पश्चिम बंगाल में है, प्रथम आपके रेशम उद्योग हावड़ा पश्चिम बंगाल में है, और प्रथम एल्यूमिनियम प्लांट जो है वो जेके नगर पश्चिम बंगाल के अंदर कार्यरत है। बात क्लियर है, यहां से चले कोई दिक्कत नहीं है, पक्का चलेगा। छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, इसका विस्तार झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में तथा दक्षिणी पश्चिमी बंगाल में दिखाई देता है, यानी जो छोटा नागपुर का है ये इसके आसपास वाले एरिया को क्या करता है, कवर करता है, ध्यान रखना। यहां पर खनिजों की अधिकता के कारण, क्योंकि भारत के अंदर जो खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है वो कहा जाता है छोटा नागपुर को, समृद्ध प्रदेश है, खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। इस प्रदेश में जीवाश्म तथा धात्विक खनिजों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। जीवाश्म खनिजों में आपने कोयला देखा था, धात्विक खनिजों में आप देखोगे यहां पर जो है ना लोहा, तांबा इत्यादि का क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। कोयले की अधिकता के कारण भारत का रूहर प्रदेश भी कहलाता है। यहां पर लोह इस्पात, सीमेंट, कांच उद्योग जैसी औद्योगिक इकाइयां दिखाई देती है। सीमेंट उद्योग इसलिए क्योंकि यहां पर चूना पत्थर भी निकलता है, क्या निकलता है, चूना पत्थर भी निकलता है, ध्यान रखना। बात की जाए देखो, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से ये भी पूछा जा सकता है। प्रथम लौह इस्पात उद्योग कुल्टी पश्चिम बंगाल में 1874 में, ध्यान रखना। प्रथम आधुनिक लौह इस्पात सांकची जमशेदपुर में, प्रथम सार्वजनिक राउरकेला उड़ीसा में, प्रथम स्वदेशी बोकारो झारखंड के अंदर। ये लोह इस्पात से संबंधित कुछ कारखाने हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। प्रथम लोह इस्पात उद्योग कुल्टी पश्चिम बंगाल में, प्रथम आधुनिक लोह इस्पात सांची जमशेदपुर में, और प्रथम सार्वजनिक राउरकेला उड़ीसा में, और प्रथम स्वदेशी बोकारो झारखंड के अंदर स्थापित किया गया। बात की जाए छह नंबर पे, चेन्नई, बेंगलुरु, मदुरई, कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश। ये बात कर रहा है कहां की, कर्नाटक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कर्नाटक के। इसके अंतर्गत देखिएगा मेन रूप से तमिलनाडु तथा कर्नाटक के आसपास का एरिया आता है। यह देश का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है, यहां पर कपास का उत्पादन भी होता है, इस कारण सूती वस्त्र उद्योग, इसके अलावा यहां मसालों की खेती ज्यादा होती है, तो मसाले भी यहां पर विकसित होंगे। यहां पर सूती वस्त्र, औषधि, मसाले, तेल शोधक, रसायन, कागज, रबर, सीमेंट, चीनी, कॉफी जैसी अनेक औद्योगिक इकाइयां दिखाई देती हैं, और साथ साथ में यहां पर लोह इस्पात ध्यान रखना, यह भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्योंकि केंद्रमुख कर्नाटक से, बाबा बुदन की पहाड़ी से लोहा निकल रहा था, ध्यान होगा ना थोड़ा बहुत तो, ठीक है चलना। बात की जाए विशाखापत्तनम, सात नंबर पे विशाखापत्तनम है, कृष्णा गोदावरी औद्योगिक प्रदेश है। इसमें क्या आएंगे कि यह औद्योगिक प्रदेश आंतरिक भागों में स्थित कृषि उत्पादों पर निर्भर है,
यानी यहां पर जो है ना आपके महाराष्ट्र सॉरी आपके आंध्र प्रदेश और इसके अलावा तमिलनाडु और तेलंगाना, यहां पर इसमें मुख्य रूप से क्षेत्र आएंगे। इसमें क्या कह रहा है कि यह औद्योगिक प्रदेश आंतरिक भागों में स्थित कृषि उत्पादों पर निर्भर होता है, यानी प्रत्येक जो आपके प्रारंभिक सॉरी जो आंतरिक भागों में जो कृषि उत्पाद है उन पर यह क्या होता है, निर्भर होता है। इसमें इसे कोयले वे पेट्रोलियम के भंडार के कारण विद्युत सहायता से प्राप्त हो जाती है, क्योंकि यहां पर कोयला भी था और आपके पेट्रोलियम के भंडार भी है, इस कारण इसे विद्युत बहुत सहायता से मिल जाती है। यहां पर पेट्रोलियम की उपलब्धता के कारण यहां पर पेट्रोलियम परिशोधन कारखाने अधिक विकसित हुए हैं, क्योंकि आपने देखा था कि कृष्णा और गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में पेट्रोलियम के भंडार देखे गए थे। यहां पर चीनी, सूती वस्त्र, सीमेंट, उर्वरक, रसायन तथा एल्यूमिनियम औद्योगिक इकाइयां अधिक विकसित हुई हैं। यानी यहां पर चीनी के साथ साथ हमने देखा सूती वस्त्र है, सीमेंट है, उर्वरक रसायन है, एल्यूमिनियम जैसी औद्योगिक इकाइयां यहां पर क्या हुई है, विकसित हुई है, ध्यान रखना। बात की जाए कोच्चि, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक इकाई, इसमें केरल और कर्नाटक के आसपास वाला एरिया आएगा, ध्यान रखना। इसमें लोहा की उपलब्धता सहजता से, ठीक है, यानी लोहे की उपलब्धता यहां सहजता से हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है, इस कारण यहां पर कृषि आधारित हल्के उद्योग अधिक विकसित हुए, यानी यहां पर जो है कृषि आधारित हल्के उद्योग क्या है, अधिक विकसित हुए। यहां पर नारियल, गन्ना, चीनी, सूती वस्त्र, सीमेंट, कागज, मछली इत्यादि आधारित उद्योग अधिक विकसित हुए हैं। यानी यहां पर मेन रूप से देखा जाए तो नारियल है, गन्ना है, चीनी है, सूती वस्त्र है, सीमेंट है, कागज है, मछली है, आदि उद्योग जो है अधिक विकसित हुए हैं, ठीक है, चलेगा। तो आज की इस कार्यशाला में इतना ही, उम्मीद करता हूं ये कार्यशाला आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये कार्यशाला आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को रिवाइज कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए भाई, ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सके। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और एक इंपॉर्टेंट जानकारी, अभी आप में से बहुत सारे बंधु हमारे से जो हो सकता है पहली बार जुड़े हों, अगर आपने अभी तक हमारा क्वालिटी एजुकेशन ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वहां से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि हम इस पर जो है आपके डेली सेल्फ असेसमेंट टेस्ट चलाते हैं। वहां पे आपको इसमें 10,000 से अधिक प्रश्नों का पूरा भंडार आपको मिल जाएगा। साथ साथ में अगर आपको किसी प्रकार की पीडीएफ वगैरह अगर चाहिए तो यहां से आप क्वालिटी एजुकेशन RAS ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, या इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है, इसके अलावा हमारा जो गूगल प्ले स्टोर से है एप्लीकेशन, क्वालिटी एजुकेशन एप्लीकेशन, उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर अगर कोई दिक्कत आए तो अपना फोन निकाल के उसका लॉक खोल के ये नंबर डायल कर सकते हो, हमारी टीम जो है आपके लिए उपलब्ध रहती है। इसमें टाइम जो है आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सुबह कई बच्चे जल्दी भी फोन कर देते हैं, कई रात को लेट फोन करते हैं, तो कई बार टेक्निकल इश्यू होते हैं। देखो हमारी टीम भी दिन में ही अवेलेबल होती है, रात के टाइम थोड़ा सा उनके भी खुद के पर्सनल काम होते हैं तो उनपे थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। और इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट भी आप दे सकते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज में पूरे राजस्थान में फेमस है इस समय। राजस्थान में अगर आप टेस्ट सीरीज के नाम पे निकलोगे तो केवल एक ही नाम सुनाई देगा, क्वालिटी एजुकेशन। तो वहां से आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं विथ डिटेल सॉल्यूशन, यानी हमने यहां पर सभी टेस्ट के अंदर डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो टेस्ट सीरीज हमारे सस्ते दामों पर उपलब्ध है, और अभी हमारे यहां पर अजमेर के अंदर ऑफलाइन सेंटर है। तो कोई बच्चा अगर वहां से लगता है उसको कि हमारे द्वारा बहुत अच्छी सेवाएं आपको दी जा रही है, अगर वो हमारी ऑफलाइन सेवाओं का भी आनंद लेना चाहता है तो अजमेर के अंदर जो है हमारे ऑफलाइन सेंटर पर भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लो कोई बाहर दूर दराज कहीं बैठा हो तो उनके लिए हमने एक फैसिलिटी कर रखी है, इसी ऐप के अंदर लाइव फ्रॉम क्लासरूम, यानी जो हम कक्षा के अंदर पढ़ा रहे हैं वैसा का वैसा ही आपको उसके घर पे अंदर भी मिल जाएगा, अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे डाउनलोड करके वहां से जो कोर्स एक सस्ते दामों में आप परचेज कर सकते हैं। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय, टेक केयर।